चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरं हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने के पूर्व जस्ट आई विल टेक टू मिनट्स One second. हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में भगवद गीता सिंप्लीफाइड चैप्टर नंबर 2। अभी हमारा जो सेक्शन चल रहा है दैट इज समथिंग स्पेशल। तो शुरू करने के पूर्व मैं आप सबसे एक अलग स्लाइड साथ शो करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं सब अपने चैट बॉक्स पर रेडी हो जाइए। तो वी विल बी हैविंग सम क्वेश्चन आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो वन सेकेंड We'll be having little bit question answers in front of you. तो आप लोगों को थोड़ा एक्टिव रहना है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको इन जनरल इस जगत से कुछ जो आपको समझ में आ रहा है that you have to answer. So now in front of you there is a slide. तो आपको जो दिख रहा है आगे सबके सामने this is a slide. तो आपसे अभी एक कुछ प्रश्न पूछेंगे हम। आप लोग चैट बॉक्स में रेडी रहिए। राइट In this world, we are all seeking happiness, है ना? और happiness के लिए हम लोग सबसे जो बेशकीमती चीज है इस संसार में जो सबसे बेशकीमती चीज है उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? Right? कुछ ना कुछ जो सबसे बेशकीमती चीज है वो हमारे पास अगर हो तो अगर वो हमारे पास सबसे वैल्यूएबल चीज हमारे पास है देन वट विल बी हैपनिंग देन वी आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन देन वी आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन राइट। तो आपके सामने भी कुछ दिख रहा है स्लाइड्स में जिसमें आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स। किसी चीज को सबसे प्रेशियस बनाने के लिए क्या पैरामीटर हम चूज करते हैं, क्या मापदंड हम चूज करते हैं कि भावे हमरा बुझते पारी जे कोनो जिनिस खूब बेशी दामी हबे ई जगते। जे कोनो जिनिस हमरा किनते जाए तार आगे हमरा किछु भावते जाए ना जे कि ओर दाम किभावे हमरा फिक्स करी। तो जेमन आपनार कि मने हय Okay, Arunesh is telling that there is light. Light hai kya sach mein? Peace, relationship,
ओके आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग सब्सटेंशियल. ये सब तो चलो रिलेशनशिप ऑफकोर्स दीज आर देयर, लव फेथ इन गॉड. तो मेरा रिक्वेस्ट है जितने लोग भी यूज कर रहे हैं जूम यूजर जैसे ऐसे नाम, आप लोग अपने आपको रीनेम कर लीजिए सो दैट आई कैन, इट कैन बी मोर इंटरेक्टिव. आप लोग अपना नाम रीनेम कर सकते हैं. अधिरथ ओके आपसे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट. तो देखिए जैसे हीरे हैं जवाहरात है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है. अब समझिए आप लोग तो हाई लेवल का आंसर दे रहे हैं, मैं थोड़ा नॉर्मल इस जगत के लेवल का आंसर की बात बारे में पूछ रहा हूँ. तो व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कभी समय के साथ ओके चिरंजीत इज टेलिंग मनी, अभिजीत इज मनी, समय के साथ वो टेस्ट को झेल सके. ओके अदिति इज लिटिल बिट, अदिति इज टेलिंग यस. प्रताप हैप्पीनेस ना अमी सब्सटेंशियल कुछ बोल रहे हैं. रमेश जी सब्सटेंशियल कुछ ऐसी चीज जो इस संसार में आपको आपके पास हाथ में मिले, ऐसी कोई चीज. सबका आंसर थोड़ा हाई लेवल ही जा रहा है. संयुक्ता जी, सिद्धार्थ जी, इंद्रनील जी एंड प्रज्वल जी, आई एम आस्किंग अबाउट समथिंग विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाई टाइम एंड इन द सेंस समथिंग विच इज सब्सटेंशियल, जैसे कोई चीजें होती है. वॉट इज दैट? संयुक्ता इज टेलिंग मनी. ओके मनी आपके जो आज आपके पास नोट है वो कितने साल तक रहेंगे? वो जैसे कुछ सरकार कुछ करेगी पूरा का पूरा नोटबंदी कर दिया तो पूरा नोट ही चेंज कर दिया उन्होंने. यस शोभिनी इज राइट. शोभिनी जी ने बोला है, अदिति जी ने अभी कुछ बोला है, तो वी आर गोइंग टूगेदर. तो आपके सामने मैं पेश करता हूँ, व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड. धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. ये क्या है आपके सामने जो दिख रहा है? ओके कल्याण इज ऑल्सो लिटिल बिट कमिंग टू द पॉइंट. तो आपके सामने जो दिख रहा है विच इज सिल्वर, सिल्वर चांदी की चीज. तो चांदी की चीजें क्यों बेशकीमती है? Why? Because चांदी is something, क्योंकि इस पे एक चमक है, it has some glaze. और दूसरा समय की मार ये झेल सकता है, समय की मार ये झेल सकता है. अगर पिछले कितने जनरेशन चले जाए, कितने जनरेशन चले जाए, लेकिन फिर भी what will happen? Yes, Anupama, yes, you are right. अगर जनरेशन चले भी जाए के बाद एक, लेकिन फिर भी ये टिका रहेगा. भले ही उसमें थोड़ी कालिक पड़ जाती है, इसलिए चांदी का प्राइस एक और चीज से थोड़ा कम होता है. क्यों? क्योंकि उसमें वो कालिक भी नहीं पड़ती. व्हाट इज दैट? वी गो अहेड. दिस इज सिल्वर एंड अनदर इज गोल्ड, राइट. गोल्ड इज समथिंग जिसमें समय की मार और भी कम पड़ती है. सिल्वर तब भी क्या है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, हमारे जो चेन्स होते हैं वो काले हो जाते हैं, उसको बार बार घिसना पड़ता है. गोल्ड में होता है क्या? सोने में कभी होता है? सुलक्षणा जी इज नॉट राइट. गोल्ड में और भी कम होता है बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू withstand the changes. इस संसार में परिवर्तन को झेलने की क्षमता रखता है ये सोना, है ना. तो हमारे लिए यही समझना है कि हमारे जीवन में भी किसी चीज की वैल्यू क्यों बढ़ती है, वो समय की मार कितना झेल सकता है, समय की मार कितना कोई झेल सकता है, इसीलिए उसकी वैल्यू इस संसार में बढ़ जाती है. ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से दूसरे जनरेशन कोई दे सके, गिफ्ट कर सके. तीसरा अगर हम देखने जाएंगे आगे और भी अगर कुछ देखें, और क्या है इस संसार में जो समय की मार को भी झेल ले? व्हाट इज दैट? अदिति हैड रिप्लाइड, दिस इज प्लैटिनम. प्लैटिनम इज समथिंग, व्हाई? बिकॉज प्लैटिनम में और भी करोशन और भी कम होता है इसके, दिस इज मोर स्टेबल, मच मोर स्टेबल. अभी इंडिया में उतना डिमांड नहीं है, धीरे धीरे आ रहा है, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज मच मोर स्टेबल. एंड मच मोर देन दैट इज, यस पहले कल्याण जी ने आंसर दिया, कल्याण जी ने आंसर दिया, मच मोर स्टेबल देन दैट इज दिस वन. This is crude product, but इसका जो बेशकीमती जो चीज बनता है वो हीरा. और हीरा कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन टिका रह सकता है, राइट. निरंजन इज ऑल्सो राइट, चिरंजीत इज ऑल्सो राइट. सो डायमंड, तो ये जो चीज है हमारे जीवन में, इसीलिए हम देखिए मैं क्या क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ. समथिंग विच इज एबल टू विदस्टैंड द प्रोडक्ट ऑफ टाइम, समय की मार जो झेल सके, उस प्रकार से हम किसी चीज को क्या समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट. हीरा, हीरा है सदा के लिए. डिबियर्स, तो अभी आपसे मैं पूछूं, दीज आर ऑल, चलो ये है, मतलब ये लोग समय की मार झेल सकते हैं, लेकिन इससे भी बढ़ के एक और चीज है, वो इस संसार में इनसे कहीं गुना ना, ये तो चलो फिर भी मैटर है, लेकिन देर इज अनदर थिंग विच इज मच मोर स्टेबल प्रोडक्ट, much more stable product in this world. And what is that? इस संसार में सबसे बड़ा जो सबसे stable product material है
वो इससे भी कहीं ऊपर है, बिकॉज ऑल दिस आर मैटर. यस, सुलक्षणा जी इज राइट. हमने यही बताया कि कोई भी मार समय की मार झेल सके, आत्मा वो चीज है जो हर चीज इस प्रकार के अनंत कोटि जन्मों को हमने झेला है. दिस इज व्हाट इज अबाउट सोल. तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस सोल इन आवर बॉडी. ये आत्मा हमारे लिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अनफॉर्चुनेटली हमारे इस जगत में आत्मा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है. इस संसार में सब पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी खरीदना है, ये खरीदना है, नर्सिंग होम बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, अपने अपना एम्पायर खड़ा करना है. अरे भाई, वो सब तो हम शरीर के लिए सोच रहे हैं, आत्मा के लिए कोई कुछ सोच रहा है क्या? वी आर नॉट वरिंग अबाउट दैट. क्योंकि जो भी है, चलो डायमंड है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, वो तो हम छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि शरीर तो बदल जाएगा. बट आत्मा के लिए जो कभी भी किसी भी प्रकार की मार इस संसार की, इस अभी हमने कुछ श्लोक पहले सुना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदि अंत्यापो, न शोषयति मारुता. अरे आत्मा पे तो किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता, देयर इज नो इफेक्ट ऑन सोल. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई जो व्यक्ति इस संसार में, वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो आत्मा के बारे में सोचता है, उस पे किस प्रकार से हमें जीवन को किस प्रकार से ऐसे ढालना है कि मेरे अंतिम गति इस संसार की, मैं आत्मा के बारे में सोचते हुए इस संसार को छोड़ू. तो लास्ट सेशन में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ रीइनकार्नेशन के बारे में बताया. तो अगेन डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन, हमने लास्ट सेशन में बताया कि किस प्रकार से आत्मा परिवर्तित होती है. आत्मा का कभी कोई विनाश नहीं हो सकता. आत्मा इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस एंटायर क्रिएशन, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते, कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते. तो हमने ये भी बताया कि आत्मा की स्थूल कवरिंग है, सूक्ष्म कवरिंग है, और आत्मा शुद्ध आत्मा भी है जो कि सच्चिद आनंद रूप से बनी हुई है. तो अगर हम ये इस प्रकार से देखें, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो तीन प्रकार से है. ये ग्रॉस शरीर, जो 99% जो शरीर है जो हम लोग को दिख रहा है, 99.99%, दैट इज ग्रॉस बॉडी. उसके अंदर है सटल बॉडी, जिस प्रकार से हम बनियान पहनते हैं अंदर, वो दिखती नहीं है लेकिन बनियान है अंदर, अंडरगारमेंट, दैट इज सटल बॉडी. एंड आत्मा जो हमारे अंदर है, दैट इज इनसाइड, राइट. तो हमने ये भी बताया कि देखिए, थ्री लेवल्स ऑफ बीइंग हमने, अच्छा वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क. आप लोगों के सामने एक पोल होगा अभी, तो आप लोगों को अभी रेडी रहना है. यू विल बी हैविंग ऑन योर स्क्रीन सम क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. क्योंकि हम आज जो भी 114 लोग हैं हमारे क्लासेस में, हम आपको स्टडी करना चाह रहे हैं. आप लोग कितने पिछले क्लासेस से हैं, कितने अभी के क्लासेस हैं, आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं, व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन कमिंग इन योर लाइफ, चेंजेस और नॉट, मतलब सम चेंजेस हैव बीन हैपनिंग और नॉट. तो आपके स्क्रीन के सामने यस नो यस नो यस नो यस नो चार क्वेश्चन, या फिर इस तरह से तीन चार क्वेश्चन है, आप लोगों को बस क्लिक करना है. तो रेडी स्टडी गो. तो वी आर लॉन्चिंग दिस पोल इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. तो फर्स्ट आप लोगों के लिए सारे प्रश्न दिख रहे हैं. तो हाउ मेनी ऑफ यू हैड अटेंडेड द प्रीवियस कोर्स ऑन भगवद गीता, आप लोगों को दिख रहा होगा. तो आप लोग यस नो आंसर कर सकते हैं. पहला वाला जो क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग करना क्या है, यू हैव टू मार्क. तो कितने लोग हैं जो पहले कोर्सेस कर चुके हैं भगवद गीता, क्योंकि जितने लोगों ने पहले किया है, और अभी जो नया वाला जो भगवद गीता हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, उससे हमें समझ में आया कि पहला कॉन्सेप्ट ऑफ भगवद गीता था, सेकेंड वाला कोर्स है भगवद गीता सिंप्लीफाइड. तो कितने लोग नए लोग हमसे जुड़े हैं और कितने लोग पहले से कनेक्टेड है, वो हम स्टडी करना चाहते हैं. दूसरा, आर यू एबल टू रीड सेक्शन ऑफ गीता दैट इज बीइंग टॉट इन एवरी क्लास, आप लोग हर दिन खुद से स्टडी कर रहे हैं कि नहीं? आर यू एबल टू रीड भगवद गीता और नॉट एट होम? अनदर थिंग, आर यू एवरी डे चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, आप लोग प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? जो भी हम भगवद गीता हम लोग सीख रहे हैं, चलो एटलीस्ट यू आर कमिंग, दैट इज ऑफकोर्स अ ग्रेट थिंग, बट साथ ही साथ आप लोग खुद भगवान का नाम घर पे ले रहे हैं कि नहीं, दैट्स व्हाट वी वांट टू नो. और अगर कर रहे हैं तो कितना जप कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे पुराने लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग नए कनेक्टेड हैं एटलीस्ट उन लोगों के बारे में एटलीस्ट मैं वी आर मोर कंसर्न. सो दैट्स व्हाट वी वांट टू आस्क हियर. तो एक मिनट हम और लेंगे आप लोगों से इसका पोल लेने के लिए, देन वी विल गो अहेड.
ओके तो ऑलमोस्ट 86 पीपल हैव ऑलरेडी रेस्पोंडेड, तो हम 87 तो 80% लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है. तो नाउ हम जो वी आर ऑलमोस्ट लाइक डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स. हाउ मेनी हैव यू ऑलरेडी अटेंडेड द प्रीवियस कोर्स? ऑलमोस्ट 66%, और 30 लोग हैं जो कि नए लोग हैं. तो इसीलिए जो 30 लोग नए हैं उन लोगों के लिए लाइक कुछ चीजें हैं जो हम आप लोगों को एकदम थोड़ी थोड़ी नई लगेगी. पहले वाले कोर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीजें कर दी थी, बताई थी. तो अगर आप लोगों का समय है पिछला कोर्स का, कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं. ओके, आर यू एबल टू रीड सेक्शन ऑफ भगवद गीता दैट इज बीइंग टॉट इन एवरी क्लास? तो यू हैव रिस्पॉन्डेड यस, यू आर एबल टू रीड. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हम लोग पढ़ा तो रहे हैं, बट कोशिश कीजिए आप खुद भी पढ़ेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू. बिकॉज कभी भी हम खुद से जब पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल थिंग्स ऑलवेज हेल्प अस, प्रैक्टिकल थिंग्स ऑलवेज हेल्प अस. तो थर्ड क्वेश्चन, आर यू एवरीडे चैंटिंग? 92%, ओके, मतलब ऑलमोस्ट 86 हर दिन कर रहे हैं. और थैंक यू सो मच, आप लोग सब भगवान का नाम ले ही रहे हैं. एंड इफ यस, हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग? 1 राउंड्स 36%, ओके. 2 to 4 राउंड्स करने वाले हैं 26%, अच्छा. एंड 5 to 8 ऑलमोस्ट 38%, और इसके साथ शायद ऊपर वाले भी होंगे, हमने वो ऑप्शन रखा ही नहीं. तो वी आर एंडिंग द पोल राइट नाउ. आई एम वेरी मच थैंक यू. तो आप लोगों के सामने रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यू यू कैन ऑल सी द रिजल्ट्स. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने इतने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया हमारे क्विज में. तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ऑलमोस्ट लाइक मोस्टली पीपल आर फ्रॉम द प्रीवियस बैच. तो होपफुली हम लोग को ज्यादा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है. तो यहाँ पर एक जो चीज है मैंने पिछले सेशन में नहीं बताया कि हमारे ऑलमोस्ट पिछले सेशन में हमने बताया था, ये पहले भी हमने कवर किया है कि किस प्रकार से कोई भूत बनता है ना, होस्ट कैसे होता है. ये हमने लास्ट सेशन में नहीं लिया था. जब आत्मा शरीर को छोड़कर चले जाती है और उसका अगर अच्छी प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं हो, या फिर कोई एक्सीडेंटल नॉट एक्सीडेंटल कोई अगर सुसाइड करता है, देन द सेटल बॉडी एंड सोल, ये एक तरह से प्रेत प्रेत शरीर मिलता है, उसको नया शरीर नहीं मिलता है. तो दिस इज लाइक दैट, ग्रॉस बॉडी यही रह जाती है, सटल बॉडी को नया शरीर नहीं मिलता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है. तो दैट बिकम्स अ घोस्ट. तो ये हमने पहले वाले सेशन में कवर किया था. और एक ही शरीर, एक ही व्यक्ति के शरीर में दो आत्माएं कभी कभार आ जाती हैं, जैसे घोस्ट पकड़ लेते हैं. तो शरीर बाहर वाला शरीर एक ही है, लेकिन उसमें एक पोजेस्ड पर्सन है और एक पोजेसिंग घोस्ट है. तो इस ये नॉर्मल आत्मा है, और इनके ऊपर कोई अगर आत्मा चढ़ जाए देन दैट इज घोस्ट. ये ज्यादा देर के लिए नहीं रहता है, बट कभी कभार लंबा भी चल जाता है. तो उनके लिए थोड़े मंत्र वंत्र जाप करने होते हैं, ये सब करने होते हैं. तो मैंने हम लोगों ने ये लास्ट ये सब पहले भी कर चुके हैं ये. तो आप लोग जिन्होंने नहीं किया है, जो 30 लोग हैं आज के क्लास में जिन्होंने नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट सेशन नंबर 4 एक बार देख लीजिएगा. हमने भूत के बारे में अच्छे तरह से डिस्कस किया था. तो नाउ पिछले सेशन का हम एक बार थोड़ा रिविजन करेंगे. तो आत्मा सच्चिदानंद है, ये हमने डिस्कस किया. सूक्ष्म शरीर जो है माइंड इंटेलिजेंस ईगो से बना हुआ है, मन बुद्धि और अहंकार. मन के बारे में हमने लास्ट सेशन में बताया कि मन के अंदर कर्म रहते हैं, लॉ ऑफ हमारे जितने भी कर्मों के फल हैं वो मन में डिकोडेड हैं, वो कभी मैच्योर होने वाले हैं. और दूसरा है स्वभाव, हमारे हमारे हमारा जो पुराना नेचर है, पास्ट इंक्लिनेशंस, पास्ट लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, ये सब पिछले लाइफ टाइम से आ रहे हैं. ये सब कैरी फॉरवर्ड कौन कर रहा है? हमारा माइंड. तो पिछले सेशन में किसी ने प्रश्न पूछा था माइंड और इंटेलिजेंस में डिफरेंशिएट कैसे करें, इसमें थोड़ा आपको समझ में आएगा. और एक और एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, हमने दैट इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल. हम एक रथ का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से रथ में जो लगाम है घोड़ों की वो मन है, और जो ड्राइवर है वो क्या है? बुद्धि है. और जो पीछे ड्राइवर जो पीछे बैठा हुआ है वो आत्मा है. तो आत्मा पीछे बैठी हुई है और मन क्या करता है? वो इधर उधर भगा के लेके जाता है अगर लगाम कंट्रोल में ना हो. बुद्धि का कार्य क्या है? मन को कंट्रोल में करना. तो माइंड हैज द नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विचार करना क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है. और ईगो अहंकार, अहंकार का कार्य क्या है? गलत चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करना. हम सब अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या? हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मैं ये शरीर हूं,
मैं फलाना फलाना, आमी बांगाली ऐसी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं पूना शहर से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं इधर से हूँ, मैं उधर से हूँ, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर ये मैंने वही एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि मैं जब बचपन में था तो मुझसे मुझे नाम दिया जा रहा था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये नाम मेरे पर लग रहा है कि मेरे बॉटल पे कोई नाम चिपका रहा है, एज इफ आई एम गेटिंग टैग्ड, लेकिन उसके पहले मेरा नाम क्या था। तो ये अहंकार का काम है अपने आप को आइडेंटिफाई करना किसी चीज से। तो हमने ये भी बताया, और साथ ही साथ स्थूल शरीर हमने देखा, स्थूल शरीर अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश, इन सब चीजों से बना हुआ है। तो इन सब चीजों का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, शुद्धिकरण कैसे होता है, कैसे हम इन सारी मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करें। मन को अगर शुद्ध करना है तो दो चीजें हैं, मन का जो कर्मों का चीज है या मन में जितनी भी वासनाएं हैं कामनाएं हैं सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए मनः त्रायते इति मंत्र, तो दैट इज व्हाट मंत्र, मंत्र का कार्य क्या है, आप सब लोग जप कर रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 86% कर रहे हैं, लेकिन एवरीडे कीजिए, सिर्फ नाम लिखने के लिए हाँ करने के लिए नहीं, होपफुली आप लोगों ने सिर्फ उसके लिए नहीं किया होगा, जेन्युइनली लिखा होगा। तो जो पोल किया है दैट थिंक दैट मस्ट बी लाइक राइट टू द बेस्ट बेस्ट ऑफ पॉसिबल वेज। तो हम मंत्र क्यों करते हैं, मन को अगर कंट्रोल में लाना है, इस संसार में सब कोई मन मन से पीड़ित है, ये कलयुग चल रहा है, अभी हमने इस सेशन में वही सारे डिस्कशन किए, कलयुग में मन को पागल बनाने के लिए बैठा हुआ है कलीराज। तो इसीलिए हमारा कार्य क्या है, हमारे कर्मों को तो नाश करता ही है ये मंत्र, साथ ही साथ मन को भी हमें क्या करता है, पीसफुल बनाता है, दिस माइंड इज गेट्स ऑल्सो पीसफुल। साथ ही साथ ये स्वभाव जो है, स्वभाव को रेक्टिफाई करने के लिए संस्कार, अच्छे संस्कार देना ये बहुत जरूरी है। हमने लास्ट वीक में क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ वी आर गेटिंग इंप्रेशंस, हर जगह हमारे हमारे मन में छाप पड़ रही है। अभी वैदिक संस्कार, वैदिक सभ्यता के हिसाब से भी संस्कार दिए जाते हैं, 16 संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार, देन चूड़ाकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, इसमें हर एक तरह से उसके सटल बॉडी में अच्छे संस्कार घुसाए जाते हैं, लेकिन आजकल भी संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो कलियुग कोशिश कर रहा है कि हम सबका बेड़ा गर्क कर सके, वो किस प्रकार से कर रहा है, वो हमें नेगेटिव संस्कार दे रहा है, किस प्रकार से, यूट्यूब और गलत गलत चीजें देखना, ऑब्सीन कंटेंट देखना, है ना, और हम उसको रोक नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हमारा मन उतना स्ट्रांग नहीं है, मन उतना स्ट्रांग नहीं, मन विचलित हो जाता है, और गलत संस्कार अगर हम अपने मन में डालेंगे तो गलत हमारा नेक्स्ट लाइफ का जो चांसेस है, नेक्स्ट लाइफ में बनने की जो चांसेस है वो भी गलत बन सकते हैं। अगर जीवन हमारा, अगर पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुत्ते के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये मोर चांसेस दैट वी मे गेट अ डॉग्स बॉडी इन आवर नेक्स्ट लाइफ, डॉग्स बॉडी इन आवर नेक्स्ट लाइफ। इसीलिए संस्कार, अच्छे संस्कार मनों में डालना इसलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए गलत चीजों में संग में ना पड़े, गलत सही क्या चीज देख रहे हैं हम, क्या सुन रहे हैं हम, क्या न्यूज देख रहे हैं, किस प्रकार के कंटेंट हम देखते हैं सुनते हैं, उस पर बहुत जरूरी है। आप लोग अभी जैसे इस सब यहाँ पर आए हैं, आप ऑडियो विजुअल देख रहे हैं, ये भी हमारे हृदय में संस्कार पड़ रहा है, छाप पड़ रही है, दैट इज अ गुड संस्कार। तो दैट्स व्हाट वी शुड डू, हरे कृष्णा टीवी लगा सकते हैं, हरे कृष्णा चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब में इतने इतने सारी चीजें हैं, वहां पे अच्छे संस्कार देने के भी ऑप्शंस हैं। बुरे संस्कारों को अपने हृदय में, अपने जीवन में मत लगाइए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लाइफ इसी चीज पे डिपेंड करता है, अंत समय में हम क्या सोच रहे हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस, बुद्धि को, बुद्धि का कार्य क्या है, सही और गलत पे अच्छी तरह से सोचना समझना, ये करना। हमने लास्ट क्लास में बताया ये डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र सुनने से। तो जब हम शास्त्र को सुनते हैं, जैसे ऐसे क्लासों में शास्त्र सुन रहे हैं और शास्त्र पढ़ते हैं, इसीलिए भगवद गीता का क्विज मैंने पूछा कि आप लोग भगवद गीता खुद से पढ़ रहे हो कि नहीं, जब तक ये आदत आप नहीं डालेंगे तब तक हम लोग अच्छी तरह से वी कैन नॉट परफेक्ट आवर सेल्फ, तो इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। हमने एक सेशन में बताया था कि हाउ इट इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चीज क्या है, खुद से पढ़ना। तो ये हमारी बुद्धि का क्या करता है, पेंसिल को जैसे शार्प करते हैं, उस प्रकार से शास्त्र हमारी बुद्धि को शार्प करते हैं। और तीसरा जो है अहंकार, अहंकार जो है हमारे हृदय में, ये बहुत, दिस इज ऑल्सो कवरिंग, हमने बताया ना, दिस इज ऑल्सो कवरिंग, ये अहंकार भी हमारा एक कवरिंग है, अनर्थ है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का अहंकार एक एक तरह से बांधने वाला कवरिंग है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें, जब हम ये गलत प्रकार की भावना सोचते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, लेकिन जब हम असली जो उसका उसका जो रियल ईगो है, दिस इज फॉल्स ईगो, ये मिथ्या अहंकार है, उसका रियल अहंकार क्या है, हर जीवात्मा का रियल अहंकार यह है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का नित्य अंश हूं, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान ने अपना स्वरूप तो मुझे भी दिया है। तो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, ये दास की भावना जब हमारे हृदय में आती है तब अहंकार चकनाचूर होता है,
तब अहंकार चकनाचूर होता है। इसीलिए ये सारे शास्त्र हमें रियल अहंकार, हमारा जो असली स्वरूप है, हमारे सूक्ष्म शरीर को साफ करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। इस जीवन को हमने लिया है, सूक्ष्म शरीर को गंदा नहीं करना है, उल्टा साफ करना है। तो इस प्रकार से ये जो स्लाइड है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, हाउ टू प्यूरिफाई अवर सटल अवर 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 दीज सेंसेस। और स्थूल शरीर, इसको शुद्धिकरण कैसे करें, हाउ टू प्यूरिफाई दैट। तो हमारा स्थूल शरीर किससे बना हुआ है, धरती वायु जल अग्नि आकाश, ये हमारे ग्रॉस सेंसेस हैं। इसको प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, जब इनको भगवान की सेवा में कोई लगाए, आई हैव टू एंगेज माय सेंसेस इन लॉर्ड सर्विस, इस तरह से जब सेवा में लगाते हैं तब ये शुद्धिकरण होता है। किस प्रकार से, आंखों को भगवान के विग्रह को देखने के लिए, इसलिए हम सुबह सुबह मंदिर भगवान के दर्शन भेजते हैं मायापुर से, कलकत्ता मंदिर से। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर ये भी है कि कल से इस्कॉन कलकत्ता मंदिर खुल रहा है, तो आप लोग चाहे तो शाम के समय आके दर्शन कर सकते हैं, तो विद सोशल डिस्टेंसिंग जितने भी हो सके, तो यू कैन ऑल कम फॉर दर्शन। दूसरा, पैरों को किस लिए लगाना, पैरों को भगवान के मंदिरों में आने के लिए। कानों को किस लिए लगाना, भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए, भगवान की कथाएं सुनने के लिए, रामायण महाभारत सुनने के लिए, ना कि फिल्मी गाने सुनने के लिए, ना कि इधर उधर की बातें सुने, पीएनपीसी सुनने के लिए। या फिर हमारे नाक को क्यों लगाते हैं, नाक को भगवान को अर्पित किए गए पुष्पों को सूंघने के लिए लगाते हैं। हर इंद्रिय को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, आंखों को भगवान को देखने के लिए, और जिह्वा के द्वारा भगवान के प्रसाद को आस्वादन करने के लिए। ऑफ कोर्स हमारे जब फिजिकल क्लासेस होती थी, तब फिजिकल क्लासेस में हम हर क्लास के बाद भगवान का प्रसाद बांटते थे, लेकिन यहाँ पर आपको इतने सिंसियर है, चलो आप लोग आ तो रहे हैं लेकिन आप लोगों को प्रसाद नहीं बांट पा रहे, यही एक क्लास में, इस क्लास में मिसिंग है, अदरवाइज सारी चीजें सेम की सेम है। तो बेसिकली प्रसाद खाने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, हमारा जो स्थूल शरीर है वो शुद्ध होता है, साथ ही सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद। और प्रसाद मतलब वो नहीं कि सिर्फ बतासा खाना, भगवान को सिर्फ लड्डू दे दिए, वो नहीं। प्रसाद मतलब जो हम खाते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं, राइस दाल सब्जी वब्जी सब अच्छी तरह से बनाकर, सात्विक भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करना, ये है हमारा कार्य। तो इस तरह से हमें अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना है, ये हमने इसमें बताया। तो लास्ट क्लास में हमने जस्ट गोइंग थ्रू ये एन स्टीवेंसन की स्टडीज के बारे में बताया, रीइनकार्नेशन के बारे में, और भी हमने बताया कि किस प्रकार से प्रूफ है पास्ट लाइफ रीइनकार्नेशन के, क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कोई किसको कैसा जीवन मिलेगा, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा डिपेंडिंग ऑन डिजायर्स। और ये भी देखते हैं कि हमने ये आगे आगे चल के दिखाया कि ऑन व्हाट बेसिस द सोल इज अवॉर्डेड द नेक्स्ट बॉडी, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंते कलेवरम तत् तत् एवेति कौन्तेय सदा तद् भाव भाविता। अंत समय में जो चीज, जो भी व्यक्ति सोच रहा है, अंत समय में वो उसको मिलेगी। इसीलिए हमने एक एग्जाम्पल दिया मायापुर के उस ब्रह्मचारी का, लास्ट मोमेंट में किसके बारे में सोच रहा था, जिसको बारे में नहीं सोचना चाहिए था, एक एड के बारे में सोच रहा था वो, तो उस एड के बारे में अगर सोचता तो नेक्स्ट लाइफ में शायद कुछ और ही बनता वो, पता नहीं क्या होता उनका। तो ये हमने बताया, तो इसीलिए जो भी हम सोचते हैं, जिस प्रकार के जीवन व्यतीत करते हैं, दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन, दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन डेथ इज एन एग्जामिनेशन, हम लोग को उसके लिए प्रिपेयर करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो भरत महाराज, ये हमने बताया कि भरत महाराज जिसके नाम से पूरे भारतवर्ष का नाम पड़ा, भरत महाराज के पहले इस भारतवर्ष का नाम था अजनाभ वर्ष, क्योंकि नाभी नाम के एक राजा थे। तो ये पृथु महाराज, ये ऋषभदेव के पिताजी के डायनेस्टी में थे, उनके जनरेशन में ये भरत महाराज आए, और इनकी वजह से ऋषभदेव के इंस्ट्रक्शन से इनके 100 भाई थे, तो भरत महाराज ने सब कुछ छोड़कर भी लास्ट में क्या हुआ, एक हिरण के चक्कर में फंस गए, क्योंकि हिरण, वो हमने पूरी कहानी बताई कि हिरण किस प्रकार से हिरण के बच्चे को रेस्क्यू करके आते हैं, एक मादा हिरणी का गर्भपात हो जाता है शेर की दहाड़ सुनकर नदी के पास में, तो उसके बच्चे को उठाकर लेके आते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, पूरा का पूरा संसार उनका था उस समय, उनका सिर्फ एक डायनेस्टी नहीं था, बोला जाता है ही वॉज रूलिंग ऑन द हायर डायमेंशन, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अलावा भी जितने भी भारत वर्ष के जितने भी प्लैनेट्स है सब जगह वो रूल कर रहे थे। इतने बड़े राजा होकर सब कुछ छोड़कर आए हैं और लास्ट में भगवान का भजन करना चाहते थे, लेकिन इस हिरण के द्वारा आसक्ति में फंस गए, और अंत समय में चूंकि इस के बारे में आसक्त थे, वो हिरण जब एक दिन नहीं मिला उनको, वो रास्ते पे एक जगह गिर जाते हैं, और वही उनके बारे में सोचते सोचते वो अपना शरीर त्याग देते हैं, और लास्ट मोमेंट में उनको हिरण का एक शरीर मिलता है। लेकिन इस बार वो बहुत सतर्क थे, इस हिरणी के शरीर में भी वो उनको पिछले जीवन की सारी चीजें याद थी। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो बहुत स्पेशल डिवोटीज होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है, चलो ठीक है गलती की उन्होंने, लेकिन उनके पिछले जन्मों की सारी चीजें याद रखवाते हैं, तो इसीलिए इस हिरण होते हुए भी उनको पूरे पुराने चीजें सारी याद थी,
और फिर आगे चलकर वो जड़ भरत, एक जड़ मतलब एकदम अनइंटेलिजेंट बन के वो रहते थे कि उनको लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन गॉडेस काली एक बार ये सारे डकैत उनको मारने के चक्कर में फंसे, क्योंकि वो एक एक तरह के एक तरह से पशु के समान था, तो उन्होंने सोचा कि इसकी इसी की बलि देंगे हम, नर बलि देंगे। लेकिन काली आकर इन सारे देव इन असुरों का संहार करती है, और आके चलकर जड़ भरत ने फिर रहुगण नाम के एक राजा थे उनका उद्धार किया, उनको भगवत गीता के भागवत के इंस्ट्रक्शन सुनाई, ये सब श्रीमद भागवतम में है। तो देखिए एक गलती की वजह से तीन जीवन उनको झेलना पड़ा, ही हैड टू स्ट्रगल फॉर थ्री लाइव्स, ये तीन जीवन उनके जीवन में आ गए, भरत महाराज हैड गॉट लिबरेशन, मुक्ति मिली उनको तीन जन्मों के बाद। हमारी हमारी स्थिति के बारे में सोचिए, हम सब कितने सारी चीजों के प्रति अटैच्ड हैं, तो हमारे जीवन में भी अटैचमेंट किसके प्रति होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों चीजें चलती रहेंगी। आगे चल के हमने बताया कि इंद्रद्युम्न महाराज के बारे में कि हर पिछले जीवन में वो 1000 पंखुड़ियों वाला गुलाब ये कमल वो अर्पित करते थे, और इसीलिए नेक्स्ट जीवन में भले ही वो हाथी बने, उनको श्राप मिला, लेकिन उस समय भी उन्होंने भगवान को अर्पित किया वो फूल, और उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं आए उनको बचाने के लिए। और भी हमने कुछ उदाहरण दिए अमूल प्रकृति माता जी के, कि उनके जीवन का भी, वो ही वाज अ पर्सन फ्रॉम कलकत्ता, बंगाली व्यक्ति थे, लेकिन पुनर्जन्म मिला कहां पर, अमेरिका में। तो हमारा भी जीवन में पता नहीं कौन कहां जाकर जन्म होगा, और अंत समय में वृंदावन में जाकर, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने पूरी अच्छी तरह से भक्ति की, तो 2003 में वृंदावन में भक्तों के संग में रहकर उन्होंने अपना शरीर त्यागा और भगवान को स्मरण करते हुए उनकी चलो भगवान के धाम में गई। और भी हमने एक और कहानी बताई राघव दास ब्रह्मचारी की, किस प्रकार से इसको लंदन के भक्त थे और उनके भी इस प्रकार से उनके भी जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन चलो ठीक है इस जीवन में वो भक्ति कर रही। तो अभी तक हमारे सेशन में हमने जो भी कवर किया है, तो जस्ट वाज जस्ट अ रिवीजन ऑफ प्रीवियस सेशंस। तो नाउ गोइंग अहेड, हमारा अभी जो सेक्शन शुरू होने वाला है ज्ञान योग या सांख्य योग, अभी दिस इज लाइक ऑन द एंडिंग, 26 से 30 ये हमारा आज कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद सकाम कर्म या कर्म कांड आज हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सेक्शन है, बर्थ एंड डेथ आर इनेविटेबल, वन शुड नॉट लैमेंट फॉर द इटर्नल सोल। लेकिन इसके पहले, मैं शुरू करने के पहले मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस संसार में, देखिए हम सब किस प्रकार से कुछ ना कुछ थोड़ी कुछ तो गलती करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ गलतियां तो हर कोई कर रहा है। तो हमारा जो अहंकार है, इस अहंकार, हमने तीन कवरिंग्स के बारे में बताया कि हमारी आत्मा में तीन, हमारे कवरिंग में तीन कवरिंग है, उसमें सबसे जो टफ थिंग है जिसको कवर करना है, जिसको जिससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, वो है अहंकार। तो दैट इज नॉट वेरी इजी थिंग टू क्रैक। एंड द अहंकार इज ऑफ व्हाट, मैं ये हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं श्री गोविंद घोष दास हूँ, मैं मंदिर का ब्रह्मचारी हूँ। दिस आइडेंटिफिकेशन, हमारा आइडेंटिफिकेशन यही होना चाहिए, गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास, मैं भगवान का दास दास दासानुदास हूँ, लेकिन ये भावना नहीं आती है। तो इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो है जिसमें शिला प्रभुपाद जी कुछ बता रहे हैं हमारे रियल आइडेंटिफिकेशन के बारे में, हमारी एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो, इट्स ऑफ 2-3 मिनट्स ओनली, तो जस्ट गो अहेड, वी विल जस्ट गो अहेड विद दिस। हरे कृष्ण। I am American, I am Indian, I am European, I am Australian, I am cat, I am dog, I am this, I am that, bodily. We have to cleanse this bodily conception of that I am not this body. I am Brahmasmi, I am infinite soul. This you have to realize. Thank you.
भगवद गीता इट इज सेड जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन वी आर ट्राइंग टू बी हैप्पी फाइटिंग विद अनहैप्पीनेस बट वी डू नॉट नो आवर रियल अनहैप्पीनेस आर दैट वी हैव टू डाई वी हैव टू टेक बर्थ अगेन वी हैव टू बिकम डिजीज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट ओल्ड दिस इज इंटेलिजेंट दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बाय advancement of civilization, education, scientific knowledge, and so many things that are life. But what is the solution of these four principles of miserable condition? But they hold it as disease. And because we cannot make any solution, we set aside these four problems. We go on with the temporary problem and become busy to solve it. And in this way, we waste this valuable human form of life like the cats and dogs. The knowledge is there in the Vedic literature. It is not a sectarian so-called religious principle. It is scientific. Every human being should understand his body. Every human being should not waste his valuable time. This is the opportunity to understand God and make solution of all different types of past and death and past migration from one body to another. I'm a spirit, soul, part and parcel of God. This is human being. Hare Krishna. So hopefully, yes, Dipankar ji, we will share you this video. Hopefully you will have liked this video. But what is the essence? See, हमारा इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य है भगवान के धाम में ये जिस जगह पर हम हैं, this place is not meant for us. This place is दुखालय मशाश्वतम. आत्मा गलती से आकर इस जगह पर आइडेंटिफाई कर रही है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस बच्चे का पिता हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं ये सो मेनी थिंग्स. But this is not our identity. अरे इसके पहले जन्म में भी किसी का मैं पिता था, किसी का मैं हस्बैंड था, किसी की मैं पत्नी थी. तो इस प्रकार से हम लोग अपने कपड़े तो बदल रहे हैं, लेकिन जिससे जिसके साथ हम बिलोंग करते हैं उसके पास हम नहीं जा पा रहे. तो दिस इज वॉट वी कैन अंडरस्टैंड. देखिए, एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा. इस मटेरियल वर्ल्ड का एक कॉमन फाइंडिंग है, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. इस संसार में जब भी कोई चीज नॉर्मल वे में चलती है ना, जब गाड़ी सब नॉर्मल वे में चलती रहती है, हम उस चीज को यूजुअली लेने लगते हैं. तो देखिए, इस संसार का जो नॉर्मल पहलू है वो हम लोग को तब तक नहीं दिखता है जब तक जीवन में मृत्यु या रोग या डिजीज किसी के जीवन में ना आए, तब जाके हम लोग फिलोसफिकल होते हैं. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अपने जीवन से कि मैंने जीवन में अपने क्या छोटा बहुत जो एक्सपीरियंस है दैट आई वुड लाइक टू शेयर. तो आप लोग जितने भी लोग नॉर्मल हैं, नॉर्मली जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, क्लास कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा. देखिए, जीवन जीते जीते बहुत बार ऐसा लगता है कि सब कोई नॉर्मल चल रहा है, हैकनीड एक बोलते ना, एक नॉर्मल जीवन शैली चलने लगती है. सब कुछ नॉर्मल है भाई, ऐसे ही, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सुख आना दुख आना, कभी खुशी कभी गम, ये सब तो नॉर्मल हमारे जीवन में चलता ही रहता है. तो हम ये इस प्रकार से चीजें सोचते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. बट टू थिंग्स are really in this world which makes us shaken. What are these two things? Pehla hai hospital, dusra hai shamshan. Jab kabhi kisi ko hospital jana pade aur kabhi kisi ko shamshan jana pade, ye dono jagah hai jahan par hum log really philosophical ho jate hain. Lekin main abhi bata raha hu, maine kya bataya starting mein, hamara nature kya hai. Atma sochti hai na har jagah main adjust kar lu, are yaar ekdam sab theek thaak hai, badhiya hai, kya problem, kya hai idhar, sab ekdam bindas hai,
ये नॉर्मल उसका सोचने का है, क्योंकि देखिए उसका उसका नेचर क्या है, सचित आनंद, उसका एक चीज है, इट इज इटर्निटी, इटर्निटी सच जो एस्पेक्ट है दैट रिप्रेजेंट्स इटर्निटी। आत्मा चाहती है मैं जहां पे रहूं वो मेरा इटर्नल प्लेस हो जाए, लेकिन वो इटर्नल हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं, हम इस शरीर से कर रहे हैं, इस शरीर से कर रहे हैं, वो शरीर परमानेंट नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, हम इस संसार में भी अपना एक नित्य घर बनाना चाहते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। तो इतना सोचते हैं, हाँ एक घर बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, एक तेरा एक गाड़ी होगा, ये होगा, कितने दिन भाई, कितने दिन। जब घर बनाने जाते हैं 30-40 साल तो हमारे वो बैंक बैलेंस क्रिएट करने में लग जाते हैं, 40 साल के बाद घर बनाएंगे, 20 साल के लिए, 60 साल के बाद तो निकल के जाना है। तो हर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए क्या। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा था, जब कोई जो नॉर्मल व्यक्ति है, देखिए इस जो आपदा के समय, प्राकृतिक आपदा जो आई है इस समय, कोरोना, इस समय सब लोग फिलोसफिकल हो गए, और इस्कॉन में इतना प्रचार हुआ है इस समय, और हम लोग के लिए भी क्योंकि इतने क्लासेस हुए ऑनलाइन, हम लोग को सच में इतना नरिशमेंट मिला है, क्योंकि ये सच में ऐसा समय था कि हम लोग कुछ स्ट्रांगली कुछ कर सके, झकझोड़ने वाला समय था ये, तो बाकी लोगों के लिए भी बहुत एडवांटेज रहा है। तो इस समय लोग भी फिलोसफिकल बन गए, क्यों, क्योंकि दिस वॉज समथिंग कि लाइफ इज रियली, ये ऐसा सिचुएशन था, लाइफ इज टेम्पररी, आई हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, ऐसे ऐसे सोचने लगे लोग, जो कि अच्छा है, दैट इज गुड ओनली, इस बार सच में लोग सोचने की कोशिश कर रहे थे। तो यही व्यक्ति मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग जो हॉस्पिटल में रहते हैं, जैसे मैं अपने जो सच में हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं हम लोग डॉक्टर्स लोग, जब हम लोग हॉस्पिटल में हैं, जब हम डेथ देखते हैं, मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ, तो केस सीन डेथ हम लोग लिख के डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, तो हमारे लिए वही डेथ इट वॉज नॉट अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, अरे ठीक है मर गया मर गया, क्या बात है। और इतने सारे डिजीजेस देखते हैं हम, इतने कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस, कार्सिनोमा है या फिर सो मेनी थिंग, पीपल आर सफरिंग इन हॉस्पिटल्स, बट जब डॉक्टर्स वो सारी चीजें देखता है, देखिए डॉक्टर्स को तो सबसे ज्यादा फिलोसफिकल होना चाहिए था, या जो जो शमशान घाट में है, जो हर दिन लाशें जला रहा है, उसको तो सबसे ज्यादा फिलोसफिकल होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति इन सिचुएशन में जाता है, शमशान में जाता है, हॉस्पिटल में आता है, वो फिलोसफिकल हो जाता है, अरे भाई क्या होगा। लेकिन जो इन सारे सिचुएशंस में जो बैठे हुए हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, उन लोगों के लिए नॉर्मल है। सिंपल एक चीज एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई कोई व्यक्ति डिजीज कंडीशन में है, हम लोगों ने बहुत सारे डिजीजेस देखे हैं, बहुत सारे दुख होता है आफ्टर बिकमिंग डिवोटी, सबसे जो खतरनाक केसेस आते हैं वो है बर्न केसेस, देखने में इतना मतलब इट्स सच अ पेनफुल सिचुएशन फॉर बर्न केसेस, पूरा का पूरा शरीर जला हुआ है, एंड दे आर सफरिंग लाइक एनीथिंग, एसी चला दो कुछ चला दो पूरी जल रहा है, तप रहा है शरीर, और उसके बाद हेड इंजरी वाला केसेस, गला कटा हुआ है, ये सारे केसेस इतने ये होते हैं, मतलब गले सर में चोट लगी हुई है, एंड इस तरह से वो चिल्लाते हैं कि हाथ पैर से पूरे सब कुछ खींचने लगते हैं, इनको देख के दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर्स को जो भी जो सर्जन होते हैं उन लोगों का दिमाग कुछ और ही काम करता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, उसका दिमाग लग रहा है कि किस प्रकार से मैं इसका वेन निकालूं, उसको मैं मतलब जनरली इट इज नॉट ऑलवेज, बट उन लोगों को लग रहा है कि मैं इस पे भी कैसे सीख सकूं, क्योंकि मेरे लिए ये सब्जेक्ट्स एंड आई वांट टू लर्न ऑन दिस सब्जेक्ट, बट हार्डली एनीवन इज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि वो व्यक्ति इतना सफर कर रहा है, उसके उसके जीवन में क्या बीत रही होगी, वो कभी नहीं सोचते हैं। उस पेशेंट को लेके दो चार डॉक्टर मिलकर सोचते हैं कि मैं इसका आज मैं ये करूंगा इसका, क्योंकि इन लोगों का वेन सिर्फ पैर में ही मिलता है, पैर में एक स्पेशल जगह है, तो उस जगह पे ही आपको वेन, वहीं पे आप, क्योंकि जहां पे जनरली वहां पे जला हुआ नहीं होता है, वहीं पे आप उनको चैनल कर सकते हैं, उन्हीं को सलाइन दे सकते हैं, और हाथ वाथ में सब जगह फूल चुका हुआ होता है, तो वहां पर आप सलाइन नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स को देख के भी वन इज नॉट थिंकिंग, अगर कोई सोचता है कि डॉक्टर्स विल बी द मोस्ट फिलोसफिकल पर्सन, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, बट बिकॉज हमारा जो ये जो संसार है, हम चीजों हम हमको नॉर्मल बनाने के लिए इट फोर्सेस अस, दिस इज देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड माया शक्ति, इस संसार में एक माया शक्ति है जो हमारी आंखों पे पर्दा डाल के रखी है, भले ही वो चीजें देख रहा है लेकिन वो उसको रियलाइज नहीं करता है, जो शमशान में है हर दिन लाशें जला रहा है, बट ही इज थिंकिंग सब नॉर्मल है, गायनी वार्ड में डिलीवरी होता है सब, ये इतने बच्चे एमनियोटिक फ्लूइड ये वो, इतना गंदा सिचुएशन है, वहां पे भी सब खाना पीना चल रहा है, नॉर्मल है, आरएमओ रूम में ये सब रूम में सब नॉर्मल चल रहा है, बिकॉज वी थिंक दैट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। या फिर ओटी टेबल में पेशेंट का हालत खराब है, लेकिन देयर इज अ नॉर्मल डिस्कशंस गोइंग ऑन, तो पीपल एंड वी ऑफ कोर्स, ये सिच हमारे साथ भी है, सिर्फ डॉक्टर्स के साथ क्यों बोलने जाए, हमारे साथ भी वही है, जब हम नॉर्मल सब चीजें चलते हैं हम सब कुछ नॉर्मल समझने लगते हैं, और डॉक्टर्स के जीवन में भी वो पार्ट ऑफ लाइफ है, इट बिकम्स अ नॉर्मल थिंग,
लेकिन जो सच में बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा कि ये जीवन का सही उद्देश्य क्या है, मेरे को इससे भी बाहर निकलना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, डॉक्टर्स को भी जो झुड़ने वाला जो चीज होता है वो सबसे बड़ा क्या है, पहला वाला सिचुएशन बताया हमने, नॉर्मल पीपल व्हेन दे बिकम अफेक्टेड व्हेन दे कम टू हॉस्पिटल्स एंड क्रिमेटोरियम, राइट। दूसरा सिचुएशन जो हॉस्पिटल और क्रिमेटोरियम में है, ये लोग अपने सिचुएशन में नॉर्मल है, लेकिन ये लोग जब एक और जगह जाते हैं वहां पे ये झकझोड़ जाते हैं। एंड व्हाट इज दैट, तो हमारे सेकेंड ईयर में देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड फॉरेंसिक एंड स्टेट मेडिसिन। तो ये जो फॉरेंसिक स्टेट मेडिसिन है, दिस इज अ फॉरेंसिक मतलब आप लोग पता ही है पोस्टमार्टम। तो हम लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, अरे पोस्टमार्टम देखने जाएंगे। हम लोग को तीन क्लासेस अलॉट किए गए थे सेकेंड ईयर में कि हम लोग वी वॉन्ट टू गो टू सी पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम देखने गए, आ जाएंगे सब। तो पहला दिन गए फ्राइडे, इट वॉज फ्राइडे, अटेंड करने गए। पूरा एसी हॉल है, पहला जो लाश आया इट वॉज लाइक फुल्ली लाइक कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई लेके आया, मतलब 10-15 दिन पहले किसी ने मार के गाड़ दिया था। उस लाश को लेके आया, उसका ऑटोप्सी करना है। वो देख के दिमाग खराब हो गया, यार पहली बार देख रहा हूँ। देखिए सच में एक एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर लोग भी डिसेक्शन करते हैं, काटते हैं शरीर को, लेकिन जिस प्रकार से जो फॉरेंसिक मेडिसिन में काटा जाता है, हम लोग सलीके से काटते हैं, लेयर बाय लेयर, एक एक मसल, एक एक शीथ, एक एक बोन, एक एक एनाटोमी पूरा का पूरा निकालना होता है, ताकि एक एक लेयर के नीचे क्या क्या है वो समझना होता है। तो इट इज अ जनरल थिंग, वी आर रेस्पेक्टिंग एटलीस्ट। बट जिस प्रकार से वो वहां पे आया, पाप रे पाप, पहला केस ये इस तरह से। दूसरा केस आया, 2-3 दिन पहले किसी का डेथ था, कहीं से उसका बॉडी लेके आया, पेट पेट पूरा फूल गया है, पेट जैसे ही काटा, और काटने का तरीका भी क्या है, एक बड़ा सा चाकू रहता है उसको काटेंगे, और काटेगा पूरा यहाँ से खट 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 एक लाइन में पूरा, मतलब ऐसा पावरफुल है। और वो डॉक्टर नहीं करता है, वो डोम रहता है, डोम करता है ग्रुप डी स्टाफ, और उसका एक्सपीरियंस आदमी से ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस उस डॉक्टर से ज्यादा रहता है। वो सब कुछ बताता है, सर इसको पॉइजनिंग नहीं लग रहा है, सर इसका लग रहा है कि कुछ पॉइजन हुआ है, सर इसका कुछ ये लग रहा है, क्योंकि हर चीज काट काट के वो देखते हैं, लंग्स काट के देखा, लिवर काट के देखा, ये काट के देखा, उसका एक्सपीरियंस डॉक्टर से ज्यादा है। डॉक्टर तो बस रिपोर्ट कर रहा होता है, उसके बाद सर खोलते हैं, सर को फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद ब्रेन निकालते हैं, ब्रेन को फिर दे आर स्टडिंग, इस तरह से फिर लास्ट में सिलाई करके, फिर सिलाई करके छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट। तो सोचिए जब हम लोग वहां पर गए, हम लोगों ने बॉडी देखा था, इट इज नॉट दैट एनाटॉमी डिपार्टमेंट वी हैड नॉट सीन। और पहला दिन सच में झटका वाला होता है, फिर हम लोग भी नॉर्मल हो गए थे इन एनाटॉमी डिपार्टमेंट। बट इन लोगों को झकझोड़े के नहीं के लिए, तो 2-3 लड़की लोग तो उल्टी करना शुरू कर दी, और बाकी लोग बोले भाई हम लोगों से नहीं सहने वाला, हम जा रहे हैं ना। उसके बाद तीन क्लासेस अलॉटेड हुई थी, तीन क्लासेस में एक ही क्लास हम लोग गए और दूसरा तीसरा नहीं गए, बिकॉज ये हम लोगों के लिए हेवी था। तो सी प्रॉब्लम क्या है संसार का, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमारे लिए जब सब कुछ सही चल रहा होता है, वी थिंक दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का सही जो उद्देश्य है, माया शक्ति हमारे आंखों के सामने पर्दा डाल के रखती है, और हम भूल जाते हैं कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता हमें सिखाती है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इवन फॉर मी ऑल्सो डेथ वॉज क्वाइट नॉर्मल। तो नॉर्मल जब मैं हॉस्पिटल में था, नॉर्मल जब डेथ देखते हैं, केस सीन डेथ देखा, अभी उस लाश को लेके भी जाते हैं, तो बाकी लोग कोई आएगा तो देख के डरेगा भाई, एनर्ट लोग मतलब मरना लोगों के लिए हजम नहीं होता है, बट हम लोगों के लिए नॉर्मल है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, वहां पे जॉब कर रहा था, तो जब जॉब करते करते वहां पे भी डेथ देखा, मैंने ही लिखा कि आई केस इन डेड, डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, अब लेके जाओ। कुछ देर बाद फिर मैं उस वार्ड में आया राउंड देने के लिए, तो बॉडी देख के मैं डर गया, बोले यार ऐसे क्यों डर, मैं डरा क्यों, क्योंकि देखिए जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बॉडी क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही दे देते थे, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे को पता नहीं था कि वहां पे नियम क्या है। वो लोग क्या करते हैं, पूरा बॉडी को अच्छे से पैक करते हैं, पूरा अच्छे से प्लास्टिक पे शीत में पैक करते हैं, जैसे अभी कोरोना में करते हैं ना, पूरा शीत में पैक करने के बाद दे वुड सेंड टू मॉर्ग, एंड देन मॉर्ग से उनके रिलेटिव आके लेके जाएंगे। अब जब मैंने डेथ देखा, लेकिन इस तरह से देखा, देख के लगा कि मम्मी देख रहा हूँ मैं ना, वो मम्मी का जो मूवी आता है तब वो देख रहा हूँ। इट वॉज सच अ शॉकिंग थिंग फॉर मी, अरे भाई डेथ मतलब बॉडी मतलब ऐसा, मेरे लिए बॉडी का एक्सपीरियंस मतलब वाज समथिंग डिफरेंट व्हिच आई हैड सीन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट ठीक है, मर रहा है, मर गया, ये मर गया, वो मर गया, मर गया, ऐसे नॉर्मल। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डेथ देखा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में डेथ देखा, दैट गेव अ शॉक टू मी। पहले नजर में तो मैं भी डर गया, भाई ऐसे ऐसे शरीर कहां से लग के जा रहा है। तो सी वी हैव दिस प्रॉब्लम, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन दिस वर्ल्ड। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि किस प्रकार से इस जीवन का उद्देश्य को सही प्रकार से सफल करना, वो हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान का नाम करना, भगवान का जप कर, भगवान के नाम का जप करना। इफ वी आर नॉट चैंटिंग होली नेम्स ऑफ लॉर्ड,
देन वी आर रियली इन ट्रबल, क्योंकि यही वो एक वस्तु है जो हमें इस भगवान भव सागर से पार करेगी। तो देखिए दिस इज व्हाट वी आर शेयरिंग, किस प्रकार से भगवान का नाम सबसे ज्यादा महान है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। व्हाट इज दैट? ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम जो 12वें स्कंद में आते हैं, तीसरे अध्याय 52वें श्लोक, वहां पर यह सेक्शन आता है। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरि कीर्तनात्। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरि कीर्तनात्। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरि कीर्तनात्। यहाँ पर बताया जा रहा है कृते, कृते मतलब सतयुग में। सतयुग में फंडा क्या था? भगवान को अगर पाना है तो भगवान का ध्यान करना है। 60,000 एक लाख साल लोगों की आयु होती थी, एंड दे वुड लिव फॉर अर्थ, दे कुड डू तपस्या आल्सो फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। वाल्मीकि मुनि या बाकी सारे मुनियों का हम देखेंगे, बहुत सारे मुनि लोग हजारों साल तपस्या करते थे। तो दिस इज व्हाट कृते अध्यायतो विष्णु, वट एवर रिजल्ट वॉज ऑब्टेन इन सतयुगा बाय मेडिटेटिंग ऑन विष्णु, विष्णु पे ध्यान करते थे हजारों सालों तक। त्रेता युग में क्या करते थे? त्रेतायाम यजतो मखै, वही चीज, उसी चीज का त्रेता युग में युग धर्म बदल गया। त्रेता युग में युग धर्म था क्या करना? सैक्रिफाइस करना, यानी कि बड़े बड़े यज्ञ करना, स्टेडियम के साइज के बड़े बड़े यज्ञ कुंड होते थे, उसमें घी डाल रहे हैं, उसमें लकड़ी डाल रहे हैं, उसमें सारे किसी डाल रहे हैं, है ना, मंत्रों का जाप हो रहा है, इतना कुछ बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं। क्यों? भगवान हरि को पाने के लिए। तो जो पहले इतने सालों इतना ध्यान करते थे सतयुग में, वही त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्मेंसेस, बड़े बड़े स्टेडियम साइजेस के यज्ञ होते थे, वैसे यज्ञ का परफॉर्मेंस करना। उसी प्रकार आगे चलकर द्वापर युग में, हर युग में कुछ ना कुछ बदल रहा है ना, हर युग में बदल रहा है। तो हर द्वापर युग में क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, हाँ, लोटस फीट, द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्या का मतलब आराधना, डेटी वर्शिप, इस प्रकार से बड़ी अच्छी तरह से आरती करना, इस प्रकार से आरती करना, बहुत सुंदर तरह से आरती करना। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखने जाएंगे कलयुग में इतने कुछ भी अच्छी तरह से पॉसिबल नहीं है। कलयुग में ना हम ध्यान कर सकते हैं, कलयुग में सतयुग वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आंख बंद करके मेडिटेट करेंगे हम, ज्योति पे मेडिटेट करेंगे, बल्ब पे मेडिटेट करेंगे। अरे तो करके दिखा, दो मिनट करके दिखा, दो मिनट बाद मच्छर काट रहे हैं, नहीं तो भूख लग रही है, नहीं तो फोन आ गया ऑफिस से, नहीं तो ये आ गया, कुछ नहीं कर सकते। त्रेतायाम यजतो मखै, अच्छा ठीक है, त्रेतायुग वाला फॉर्मूला कलयुग में लगाऊंगा मैं, बड़े बड़े स्टेडियम के साइज का, अरे स्टेडियम छोड़ दे, अपने घर पे छोटा सा यज्ञ कुंड भी बना के घी डालेंगे, घी इतना कॉस्टली हो गया, पैसा ही नहीं है, ब्राह्मण डुप्लीकेट मिलता है, बोले यार कितने पैसे का करना है, 50 रुपए का यज्ञ करना है, 100 रुपए का करना है, 200 रुपए का, उस हिसाब से यज्ञ करके मंत्र फूंक के भाग जाएगा। तो ना ब्राह्मण बोनाफाइड है, ना यज्ञ की सामग्री बोनाफाइड है। तीसरा, द्वापरे परिचर्यायाम, आरती करेंगे, अरे भाई हमारा प्योरिफिकेशन है, नहाना तो भूल जाते हैं, नहाना वहाना मुंह धोना सब कुछ एकदम अलग टाइप का ही चलता है, शौच क्रिया के बाद नहाते नहीं है, नहाने के बाद शौच क्रिया करते हैं, उल्टा व्यायाम करते हैं। तो भगवान की सेवा क्या करेंगे? ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। चौथा है, इस हरि कलयुग में सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है। व्हाट इज दैट? वो सारी चीजें जो इतने सारे युगों में कर सकते थे हम, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम, तद हरि कीर्तनात्, कलौ तद हरि कीर्तनात, भगवान के नाम का बस स्मरण करना, उनका कीर्तन करना। दो चीजें हैं, एक हरि नाम जप होता है जो हम नॉर्मली धीरे धीरे बोलकर करते हैं, एक और चीज है कीर्तन, बड़े लाउड वॉइस में भगवान का नाम को स्मरण करना, चीख चीख के पुकार के कीर्तन करना, बहुत पुकारना एकदम भगवान, तो वो म्यूजिकल, उसको कहते हैं कीर्तन म्यूजिकल रूप में। This is what we can understand. ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। कलयुग में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, this is a age of mass distraction. उसमें भगवान का नाम करना सबसे बड़ा चीज है। हम सब जो भी हैं, जहां पर भी हैं, एक माला तो भगवान का नाम कर ही सकते हैं। That's what we should all try to do. हम सबको भगवान का नाम करना चाहिए, यही हमारे साथ नेक्स्ट लाइफ में जाने वाला है। आपके साथ आपने इस लाइफ में जितना एडवांसमेंट किया, वो अगले जीवन में ये आपका बैंक अकाउंट है, और कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला, ना आपके बैंक का पैसा जाने वाला है, ना आप कुछ और चीज जाने वाली है। तो ये हमें समझना है। दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो 3rd चैप्टर 52 नंबर वर्स, अंतिम स्कंद है भागवतम का, वो कंक्लूजन दे रहा है कि कलयुग का, दिस इज द एज ऑफ डिटीरियोरेशन। 12वां स्कंद कलयुग के बारे में बताया गया, स्पेशली कलयुग के बारे में डेडिकेटेड, उसमें बता रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, वो क्या है? भगवान का नाम, इसके अलावा कुछ कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यही फ्रीली कोई कर सकता है। तो ये हमारा उद्देश्य है, आप कुछ समय निकालकर, नहीं तो ये भगवत गीता सुन के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देयर विल बी नो चेंजेस इन आवर लाइफ जस्ट बाय हियरिंग भगवत गीता। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है,
भगवान का नाम जप करना, भगवान को अपने जीवन में अच्छी प्रकार से उतारना, राइट right? ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. तो नाउ जस्ट विल बी बिगिनिंग दिस सेशन. तो देखिए हमने यही बताया, हमारा जो सेक्शन जहां तक खत्म हुआ था 23 से 25 नंबर तक हमने बताया था कि आत्मा के, ये हमारा सेक्शन चल रहा था राइट right? तो 23 से 25 तक हमने कवर किया था. तो आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न शैनम क्लेदयंतो आपो न शोषयति मारुता, ये सब हमने कवर कर लिया है. हमने एग्जांपल भी दिया, भले ही कोई माइक्रोस्कोप में आत्मा को देखने की कोशिश करे, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें तो आत्मा दिखेगी नहीं, बैक्टीरिया ही ठीक से नहीं दिखते, आत्मा क्या दिखेगी. तो दिस इज लाइक समथिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बड़े बड़े कहीं कहीं सिलेक्टेड जगहों पर ही होते हैं, हर जगह नहीं होते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप किसी चीज को देखने जाओगे, एक छोटा सा कीड़ा भी इतना बड़ा दिखता है, अरे बाप अरे बाप अरे बाप, ये क्या है रे भाई, ये तो हाथी लग रहा है, एक छोटा सा कीड़ा इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी तो आत्मा है. सोचिए आत्मा उसके अंदर है, यानी कि वो कितनी बड़ी है, वो कितनी छोटी चीज है आत्मा. तो हम लोगों ने आप लोगों को मैंने ये किया था, बताया था सेकंड चैप्टर 17th नंबर वर्स, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं दो उपनिषदों से, श्वेताश्वतर उपनिषद मांडुक्य उपनिषद. तो वहां पर बता रहे हैं कि आत्मा का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द आत्मा. आत्मा अगर बाल की खाल को, मतलब बाल की खाल नहीं उखाड़नी आपको, बाल की अगर टिप, हम बाल की बेस की बात नहीं कर रहे हैं, बेस तो मोटा होता है, बाल की टिप को लेना है, सोचिए कितना छोटा है, बाल की टिप को लेना है, वो तो और भी पतला होता है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखने जाएंगे. देखिए इतना बड़ा दिख रहा है बाल, है ना, एक एक केश के अगर अंश को एकदम काट के अगर क्रॉस सेक्शन में देखा जाए, इतने बड़े बड़े, अरे पेड़ जैसे लग रहे हैं ये पेड़ नहीं है सर, ये बाल है, है ना. तो हमारे केश जो है इतने बड़े बड़े, तो वो भी देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो भी इतना बड़ा चीज मैग्नीफाई नहीं कर सकता. आत्मा को क्या दिखेंगे, वो भी इतना सही दिख रहा है. इसके आपको 10,000 टुकड़े करने, मतलब इस पोर्शन के आपको, इस पोर्शन के क्रॉस सेक्शन के आपको 10,000 टुकड़े करने हैं, तब जाके आत्मा की बराबरी कर पाएगा कोई. सोच सकते हैं, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग सोल. हमारा आज का जो डिस्कशन शुरू हुआ, व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग एंड व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग. तो अभी 26 के बाद 29वां श्लोक आएगा, ये अमेजिंग चीज है आत्मा, ऐसी अमेजिंग चीज है कि 1/10,000 पार्ट है किसका, बाल की खाल उखाड़ के अगर देखेंगे भाई, उतना सा चीज पूरे शरीर को जीवन दे रहा है, उसी को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. ये हमारे कलयुग के लोग हैं, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, नहीं दे रहे हैं, और जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए तब उसी के लिए पूरा जीवन, हाँ कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं, हैंडसम हूं ना मैं, इस तरह की चीजें हम सोचते रहते हैं. दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर कलयुग पीपल. तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, आत्मा के बारे में सोचिए, आत्मा को भगवान से जोड़ना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, ये कलयुग का, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कलयुग, राइट. तो नाउ 26 नंबर श्लोक आज हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे. ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस, अभी हमने लेट से शुरू किया, बट दिस इज समथिंग सब्सटेंशियल. आत्मा का जो ज्ञान है ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है भगवद गीता का, राइट. आत्मा का ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है भगवद गीता का. तो ये हमने क्यों डिस्कस किया, बिकॉज जीव, दिस इज द थिंग, जीव के बारे में जानना इट्स नॉट इजी. भगवद गीता शुरू ही हो रही है जीव के ज्ञान से, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं. अभी इसके बाद वाला सेक्शन जो शुरू हो रहा है, वो एक बड़ा सेक्शन आने वाला है, वो है कर्म के ऊपर. अभी सेकंड चैप्टर से शुरू होगा, वो सीधा चलता रहेगा 5th चैप्टर तक, 5वां अध्याय तक पूरा कर्म के ऊपर ही चलने वाला है, और उसके बाद 7वें से ईश्वर के बारे में आएंगे भगवान, है ना, ईश्वर प्रकृति काल. तो बेसिकली अभी नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है, लेकिन एक सेशन खत्म होने के पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, क्यों, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, दिमाग में भेजे में घुसने वाला नहीं है ये सारी चीजें, इसलिए हम सारी ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो 26 नंबर श्लोक अगर आपके पास है, यू कैन ऑल ओपन 26 नंबर श्लोक, राइट. तो one second, so we will just begin our 26th number shloka. Yes. Atha chainam nityajatam nityam vamanya semirtam tathapi tvam mahabaho nainam shochitum arhasi. Atha chainam nityajatam. So, abhi dekhiye 25 number shlok tak Bhagavan Shri Krishna ne 25 number shlok tak ek tarah ki philosophy batai hai. 26 के बाद ठीक उल्टा कर दे रहे हैं, वो एकदम फिलोसफी को घुमा दे रहे हैं. तो ठीक है, ओके अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा को नहीं मानते, ओके चलो ठीक है, कुछ लोग हैं जो आत्मा को एकदम नहीं मानते, मानता हूं, लेकिन उन लोग भी अगर
अगर वो लोग ऐसे भी देखे, हम हमारे सबको पता है, बहुत लोग बोलते हैं आत्मा आत्मा नहीं मानता, डॉक्टर किसी भी डॉक्टर को पकड़िए, अरे आत्मा क्या चीज होती है, दिस बॉडी इज द ओनली थिंग, किसी भी एलोपैथ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है ये सारी चीजें, वी हैव गॉट नो एजुकेशन रिगार्डिंग दिस थिंग्स, आत्मा को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम। ओके अर्जुन, मैं मानता हूं तुम्हें जो मैंने अभी तक जो श्लोक बताया वो आस्तिक ज्ञान के हिसाब से, शास्त्रों के साथ के हिसाब से बताया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शास्त्र नहीं मानते हैं, अर्जुन उनका क्या? तो अगर उनका भी ओपिनियन लो और उनके ओपिनियन के हिसाब से भी तुम सोचोगे कि आत्मा ठीक है, तो देन ऑल्सो यू शुड नॉट वरी, बिकॉज आत्मा के लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट लैमेंट। देखो ये जो फिलोसफी है, ये दिस 26 नंबर श्लोक का, ये कृष्ण का वचन नहीं है, कृष्ण उन लोगों के वचन को ले रहे हैं जो नास्तिक लोग हैं, जो आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, जो एकदम भौतिकतावादी होते हैं। तो इस श्लोक में देखिए प्रभुपाद दो दो ऐसे लोग हैं, वो बता रहे हैं प्रभुपाद, इफ हाउएवर यू थिंक दैट सोल और सिम्टम्स ऑफ लाइफ विल ऑलवेज बी बॉर्न एंड डाई फॉर एवर, आत्मा आएगी मर जाएगी, यू स्टिल यू शुड नॉट हैव टू लैमेंट। अगर आत्मा जो है वो मर भी सकती है, अगर कोई सोचता भी है, देन ऑल्सो देर इज नो रीजन टू लैमेंट, एटलीस्ट जीवन तो जिया ना अच्छे से, वाई वन शुड लैमेंट। तो ये जो श्लोक है, दिस इज अ सेक्शन is meant for those people, 26. This shloka, 26 number, is for those people who think that soul doesn't exist. ये कृष्ण का स्वयं का वचन नहीं है, ये उनके लिए बोल रहे हैं, चलो अर्जुन मान लेते हैं भाई, ठीक है, ओके, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, सब बेकार है, ढकोसला है यार, ये सब भगवदगीता वाले इस्कॉन वाले सब सिखा रहे हैं सब, ओके नो प्रॉब्लम। अगर वैसे भी कोई सोचे, देन ऑल्सो वन शुड नॉट वरी, क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि जब किसी का जन्म होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सब सोचते हैं जब जन्म होता है तभी जीवन शुरू होता है, देन ओनली लाइफ बिगिंस, और जब मृत्यु होती है लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि ऐसे लोग वही सोचते हैं ना, अरे एंजॉय लाइफ यार, एंजॉय लाइफ, अरे पार्टी मैन, पार्टी पार्टी मनानी है हम लोगों, पार्टी करनी चाहिए, एंजॉय करनी है, क्या ये सब साधु वाधु के चक्कर में पड़ गया, हरि नाम कर रहा है, ये कर रहा है, पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। तो ऐसे लोग बोलेगा, अरे भाई जीवन मिला है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे हमें, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हमें आगे क्या करना है। तो इस तरह के लोग अगर बोलेंगे हमें क्या करना है लाइफ, ये बोलते हैं कि मृत्यु लाइफ तब खत्म हो जाती है मृत्यु के साथ, विद डेथ लाइफ एंड्स विद डेथ। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को, अगर ऐसे भी लोग अगर हैं, उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? नो प्रॉब्लम, कृष्णा इस देखिए, कृष्ण इतने महान है, कृष्ण ऐसा आर्गुमेंट भी ले रहे हैं जो कि एथिस्ट लोगों का है, नास्तिक लोगों का आर्गुमेंट यहां पर ले रहे हैं इन श्लोक नंबर 26। दिस इज नॉट कृष्णास वर्ड, ये अपना नहीं है, वो उन्होंने क्या लिखा है, इफ हाउएवर, ओके अर्जुन तो मानते हो चलो ठीक है। ये कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मॉडर्न साइंस यही सोचता है कि दिस लाइफ इज जस्ट अ बंच ऑफ केमिकल्स, दिस लाइफ इज जस्ट अ बंच ऑफ केमिकल्स ऑफ हार्मोन्स, जस्ट ये सारी सिर्फ भावनाएं हैं, ये सब सिर्फ भावनाएं हैं हमारे जीवन में, अब भावनाओं का क्या रखा हुआ है यार, इंजॉय करो लेबर, है ना, किसने देखा ये आत्मा वात्मा, ये सब बेकार की चीजें हैं। अगर कोई ऐसे भी सोचे तो भी उसके लिए जीवन के लिए, क्यों, एटलीस्ट जीवन तो उसने आराम से जिया ना, he has lived a life comfortably, then also he should not lament। तो यही भगवान यहाँ पर इसमें बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा भी सोचता है तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में बोल रहे हैं, मॉडर्न एलोपैथी लोगों के बारे में बोल रहे हैं, डॉक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, बिकॉज इन हमारे हमारे साइंस में इवन फॉर डॉक्टर्स देर इज नो थिंग कॉल्ड आत्मा वात्मा, है ना। और प्रभुपाद जी और दो फिलोसफर्स के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं, लोकायतास एंड वैभाषिकास। ऐसे वेदों में भी इस तरह के लोग थे, नास्तिक लोग, ऐसा नहीं है कि नास्तिक वेदों के साइन में नहीं थे, तो इन लोगों का नाम था कुछ, दे आर कॉल्ड लोकायतास, लोकायतास एंड वैभाषिकास। तो ऐसे लोग भी अगर हो, उस टाइम भी ऐसे तरह के लोग थे, तो तीन प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं हम। पहला मॉडर्न साइंस का ओपिनियन लिया, दूसरा साइंटिस्ट डॉक्टर्स है ना उनका ओपिनियन लिया, या फिर तीसरा और चौथा, ये सारे लोग हैं कि चलो आत्मा आत्मा में विश्वास नहीं करते, देन ऑल्सो वन शुड नॉट लैमेंट, ये भगवान बता रहे हैं। अर्जुन ने देखिए, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं चलो ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है,
एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो आगे अगर हम देखें, कृष्णा फ्रॉम वर्स नंबर 2.11 टू 2.25 भगवान ने वैदिक व्यू पॉइंट दिया है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन 26 ऑनवर्ड्स 26-27 ये दो तीन श्लोक जो है 28 नंबर श्लोक भी, तो ये तीनों जो है दीज आर नॉन वैदिक व्यू पॉइंट्स, ये एथिस्टिक व्यू पॉइंट है। आजकल के जो नॉर्मल मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, दीज आर नास्तिक व्यू पॉइंट्स। इसको भी भगवान बोल रहे हैं, चलो ठीक है तुम अर्जुन, तुम अगर इन लोगों का व्यू पॉइंट भी ले गए, देन ऑल्सो वन शुड नॉट लैमेंट। किसी को कभी शोक नहीं करना चाहिए, है ना, जीवित व्यक्ति के लिए भी नहीं और मृत व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि सोल आत्मा जो है सबके परे है, इट इज अबव एवरीथिंग। तो यहां पर ये व्यू पॉइंट उन्होंने रखा है भगवान श्री कृष्ण ने। तो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट श्लोक, देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। देखिए कुछ अगर कोई लोग सोचते हैं कि आवर एग्जिस्टेंस इज जस्ट अ बंच ऑफ केमिकल्स, जस्ट अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन ट्रांसमिशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हो रहे हैं, हार्मोनल इंपल्सेस हैं, इसीलिए हम लोग के अंदर भावनाएं हैं, इसीलिए हम लोग के अंदर भावना है। ओके ठीक है, तुम्हारे अंदर भावना इसलिए है, हम यही सोचते हैं चलो कि हमारा शरीर सिर्फ जड़ पदार्थ का बना हुआ है, सिर्फ केमिकल्स है ना, जो मॉडर्न लोग सोचते हैं। ठीक है ओके, इफ वन थिंग्स लाइफ इज जस्ट अ बंच ऑफ केमिकल्स, हार्मोन्स, सेल्स एटसेट्रा, इसमें कोई आत्मा आत्मा नहीं है, स्टिल देर इज नो रीजन टू लैमेंट। वाई बिकॉज अगर कोई सोचता है कि सब हमारे शरीर में सिर्फ केमिकल्स है, अरे भाई केमिकल्स एक ना एक दिन डिस्ट्रॉयड हो गया। प्रभुपाद इसी श्लोक में बता रहे हैं कि अगर केमिकल्स कभी केमिस्ट्री लैब में, अगर केमिस्ट्री के कुछ बॉटल गिर गए, टूट गए, फूट गए, घर में कुछ दवाई का शीशी टूट गई, कोई किसी के लिए शोक होता है क्या, अरे मेरा केमिकल खत्म हो गया यार, टूट गया यार, कभी सोचता है क्या? नहीं सोचता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर कोई केमिकल समुद्र में फेंक दे, प्रभुपाद यहाँ पर किस श्लोक में बता रहे हैं, नो वन लैमेंट्स फॉर द लॉस ऑफ अ सर्टेन बल्क ऑफ केमिकल्स एंड स्टॉप्स डिस्चार्जिंग इज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। अर्जुन अपना कार्य करो, इस संसार में जीवन मरण लगा रहता है, हमें अपना कार्य करना है, तो जीवन मरण में जीवित रहते हुए ऐसा कार्य करना है कि जीवन का उद्देश्य समझना है। दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये हमें इस श्लोक से सीखने को है, कभी भी निराश नहीं होना है, कोई आए जाए, इस संसार का नियम ही है, परिवर्तन होता रहता है, वो आत्मा भी कहीं और पड़ाव में गई है, किसी और जगह पे गई है, निराश मत हो। तो 26 नंबर श्लोक से हम ये चीज सीख सकते हैं। तो यहां पर यही चीज सीखने को मिला, अगर कोई अगर कहे इफ देर इज नो सोल, अगर कोई कहे देर इज नो सोल, देन ऑल्सो देर इज नो नीड टू लैमेंट। तो ये मायावादियों, ये निराकारवादियों का यही, सॉरी दिस एथिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि देर इज नो सोल, देन ऑल्सो वन शुड नॉट लैमेंट, राइट। तो ये हमने इसमें सीखा, बिकॉज किसी भी केमिकल्स के लिए कभी कोई सोचता नहीं है, ज्यादा कोई अफसोस नहीं करता है। 27 नंबर वर्ड्स, तो 27 वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। दिस इज अ श्लोक विच इज वर्थ मेमोराइजिंग। चातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म हुआ है अर्जुन इस संसार में, ध्रुवो होना ही है, मृत्यु तो होनी ही है, जन्म मृतस्य च, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही अर्जुन, तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसीलिए हे अर्जुन, ऐसे कंडीशन में युद्ध अपना कार्य तो करना ही है, शोक मत करो। तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, देयरफॉर इन द अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी तो करनी है ही, हर समय कुछ ना कुछ कार्य करना है, हम लोग कभी भी हाथ मुंह के ऐसे पड़े हुए नहीं रह सकते, वी हैव टू गो अहेड इन आवर लाइफ। दिस इज व्हाट साइंस ऑफ सोल टीचर्स अस। देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा अपने जीवन से, विच आई लर्नड, भले ही कोई बड़ा चीज नहीं है, बट मैं अपने जीवन से कुछ एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहता हूँ। देर वॉज वंस अ सिचुएशन, मेरी चाची, वन ऑफ माई लाइक ओनली वन आंट इज देयर, चाची, तो मेरे फादर के ब्रदर की वाइफ, शी समहाउ मेरे होम टाउन में उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट किसी ने बाइक मार के, बाइक से
बाइक से मार के चले गए, बाइक या साइकिल से मार के चले गए, वो गिर गई, जैसे ही गिरी सर पे चोट आई, हेड इंजरी हुआ। तो मतलब जो मेरा होम टाउन है वहां पे ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, उनको यहाँ लाया गया। उस समय मैं मंदिर में आश्रम में आ चुका था, बट सिचुएशन डिफरेंट, तब बाल बाल थे, तब सब कुछ था, है ना, तब मंदिर में भी था लेकिन तब बाल ब्रह्मचारी था, बाल के साथ ब्रह्मचारी था। तो उस समय मंदिर में ही था, 2016 की बात है। तो मेरे चाचा के जो मतलब मेरा जो ब्रदर है, उन्होंने उनके बेटे हैं, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि भाई हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, कलकत्ता में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है हेड इंजरी केसेस का, वो है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो पीजी हॉस्पिटल, कलकत्ता पीजी हॉस्पिटल, IPGMER SSKM। तो वहां पर लेके जाना था, तो मैं गया। अभी एक चीज है, डॉक्टर होने का एक एडवांटेज ये रहता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में डायरेक्ट घुस सकते हो और बोल सकते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, और अगर आप कैच लगाना चाहो, मतलब अपने सोर्स लगाना चाहो, तो लगा सकते हो कि डॉक्टर हूँ, क्योंकि बाल वाल थे तब, डॉक्टर के हिसाब से पैंट शर्ट पहन के गया मैं। तो किसी तरह भर्ती करवाया, बहुत टफ था मैं वहां पर भर्ती करवाना, बट किसी तरह भर्ती हो गई। एंड बांगूर मतलब वहां पे एक सेंटर, वहां पे ऑपरेशन, तो बोला उन्होंने कि ऑपरेशन होगा उनका। तो ऑपरेशन का डेट मतलब एक दिन के अंदर ही, दैट डे ओनली दे डिसाइडेड कि इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करके, क्योंकि एक समय जो टेम्पोरल लोब था इस साइड में, वो वहां का ऑलमोस्ट 7 दिन हो गए थे, तो वहां पे ब्रेन मैटर पूरा लिक्विफाइड हो गया था, पूरा लाइक इट वाज लाइक कि क्लॉट ऐसा हो गया था कि ब्रेन भी लिक्विड हो गया, वहां पर सॉलिड नहीं रहा। ऑपरेशन करना जरूरी था, प्रेशर फॉर्म कर रहा था। तो ऑपरेशन करने के लिए बोला कि इनको ब्लड लगेगा, तो एक यूनिट ब्लड मेरे को पीजी कॉलेज से मिल गया, दूसरा यूनिट ब्लड मेरे को बोला कि आप बाहर से लेके आइए। तो मैं उस समय बाइक लेके, बिकॉज आई हैड सम एक्टिवा, टेम्पल का मंदिर का एक एक्टिवा गाड़ी था, वो लेके गया था मैं। तो बोला कि रात को ऑपरेशन, 9 बजे ऑपरेशन चल रहा है, आप ब्लड लेके आओ, ब्लड लॉस होगा, थोड़ा रिक्वायर्ड है वो। मैं गया, तो रात को उस समय मानिकतला बोल के एक स्थान है जहां पर ब्लड बैंक है, कॉमन ब्लड बैंक है, तो वहां गया। वहां पर भी बोला भाई, रात को 10 बजे पहुंचा, बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को ब्लड चाहिए। चूंकि डॉक्टर है तो सब काम जल्दी हो जाता है, तो जिनको बाकी लोगों को 4-5 घंटा लग रहा था, मेरे को भी लगा, लेकिन मेरे को 2 घंटे में काम हो गया। तो उस समय ऐसा थका हुआ था, क्योंकि एक पेशेंट के पीछे भागना, ये करना, सुबह से लेके 7 शाम तक एक दौड़ो भागो, तो पूरा शरीर थका हुआ था। तो वहीं की जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी में ही, ब्लड बैंक की सीढ़ी में ही मैं ऐसे करके लेटा, मतलब क्या करूं, नींद आ रही है, दिमाग खराब हो गया, लेटा हुआ था, मतलब वहीं पे झपकी मार रहा था। तो 12 बजे थे, और 12 से 12:30 ऑलमोस्ट 12:30 PM, मतलब 12 से 12:30 बजे एक ऐसा Somehow I got wake up। उस समय नींद टूट गई, और अंदर से एक इंस्पिरेशन आया, एक आवाज आई कि इट वॉज अ वॉइस ऑफ सुपर सोल, अंदर से आवाज आई कि आई कुड अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट सम ऑर्डिनरी वॉइस, एंड देर आई कुड अंडरस्टैंड कृष्णा, somehow he was some reciprocation of something came, कि देखो दिस वर्ल्ड इज लाइक जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होनी है, why you are lamenting for some person, जिसने अपना जीवन जिया है, चलो आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो वन शुड नॉट बी वरीड अबाउट समवन एल्स, कि कौन जिएगा, मरेगा, क्या होगा, डोंट वरी, सोल इज इटर्नल। ये जो आत्मा का ज्ञान है, समहाउ उस समय मेरे को लगा कि 1 GB डेटा ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में डाउनलोड हो गया, समथिंग केम फ्रॉम विद इन माई हार्ट, एंड दैट वॉज समथिंग अमेजिंग, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर भगवद गीता जानने का, समझने का, ये ज्ञान आत्मा के ज्ञान में मैं क्यों इतने दिनों से, 4th class ऑन साइंस ऑफ सोल, why we are telling it so much, बिकॉज आत्मा का ज्ञान सच में बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान। अगर कोई सिंपल सोच इसने, किसी ने अगर सुना भी है आत्मा के ज्ञान के बारे में, अगर सिंपल ऑरल रिसेप्शन सुना भी है कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा का तो भी विनाश नहीं हो सकता, यही ज्ञान एक न एक दिन, भले ही हम लोग उतना सिंसियर नहीं है, 2016 में उतना सिंसियर नहीं था मैं, बस कुछ साल हुए भक्ति में, लेकिन उस समय भी भगवान एटलीस्ट रेसिप्रोकेट तो कर रहे हैं, आदान प्रदान तो कर रहे हैं, कि भगवान बता रहे कि देखो आत्मा कभी मरते नहीं है, डोंट वरी अबाउट योर आंट, समहाउ शी सर्वाइव लेटर ऑन, वो ब्लड लेके गया मैं, बट दिस नॉलेज विच गॉट रेसिप्रोकेट फ्रॉम विद इन माई हार्ट, ये समथिंग रियली इट वॉज अमेजिंग। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आप सब लोग यहाँ पर हैं, एक न एक दिन अगर आप लोगों ने आत्मा के बारे में सुना है, जब जरूरत पड़ेगा ये ज्ञान आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह आपको हेल्प करने आएगा। वी शुड बी लाइक अनअफेक्टेड इन दोस सिचुएशंस। इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइंस ऑफ सोल। आत्मा इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
तो यहाँ पर उद्देश्य यही है, भगवान के साथ जुड़िए, भगवान का नाम लीजिए, आत्मा की जो खुराक है, जो उसका जो खाना है उसको वो दीजिए। शरीर को तो खाना दे ही रहे हैं, आत्मा को खाना नहीं दे रहे हैं। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। फिर भी इसीलिए बता रहे हैं, जिसने जन्म लिया है, ये एथिस्टिक फॉर्मूला भगवान बता रहे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं मानता आत्मा है, उसको लगता है कि चलो सिर्फ जीवन है, मरण होने वाला है, तो भी कोई चिंता नहीं है। अरे भाई, उसका कभी मृत्यु नहीं होगा, डोंट वरी, राइट। तो ये एक अमेजिंग सोल ये चीज है। तो अगर कोई मतलब कहने के वास्ते अगर एथिस लोगों का की वाणी सुनता भी है, तब भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो हमने ये अभी ये श्लोक देखा 28th is another shloka where Krishna is again pointing out. देखिए तीन श्लोक भगवान एक के बाद एक वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज उन्होंने बोला, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो यहाँ पर बता रहे अव्यक्तादीनि भूतानि। पहले देखो, अगर कोई बोलता है आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती भाई, ये सब पहले क्या था, ऑल क्रिएटेड बींग्स आर अनमैनिफेस्ट इन देयर बिगिनिंग। शुरू होने के पहले सब मतलब क्या कुछ नहीं था इनका, और ये लोग कब मैनिफेस्ट हुए, जन्म के बाद, मतलब उनका प्रकाश तब हुआ, जन्म हुआ तब जाके वो, तब उनका असली में जन्म हुआ, कोई आत्मा तो नहीं होती, देयर इज जस्ट अ केमिकल। और उसके बाद मरने के बाद फिर अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, मतलब क्या फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर कोई ये फिलोसफी भी सुन के बोलता है, देन ऑल्सो देयर इज नो लीड ऑफ लिमिटेशन। यानी कि चाहे कोई एथिस्ट हो चाहे थीस्ट हो, तब भी आत्मा के लिए कोई अगर मर जाए, उसके लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट वरी अबाउट एनीवन। तो यहां पर ये श्लोक हम देख सकते हैं 28 नंबर श्लोक का, ये जिस प्रकार से हम एक उदाहरण दे सकते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि। जैसे कभी कोई बिल्डिंग बनाता है, प्रभुपाद यही उदाहरण देते हैं, बिल्डिंग बनाने के पहले क्या पोजीशन था, बिल्डिंग बनाने के पहले एक जगह थी, खाली जगह था, अव्यक्त था वो, कोई नहीं था। फिर हमने सीमेंट वीमेंट बालू वालू लाए, बिल्डिंग खड़ा कर दिया, व्यक्त हुआ, और शायद 100 साल बाद 200 साल बाद उसको गिरा के खत्म करना पड़ेगा, फिर वो अव्यक्त बन जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा वो बिल्डिंग। उसी प्रकार से शरीर भी ऐसा है, अगर कोई ऐसा फिलोसफी कोई बोलता है, देन ऑल्सो देर इज नो नीड टू मैलायमेंट, डोंट वरी अर्जुन, ठीक है, डोंट वरी। दिस इज वट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोक। 29th नंबर श्लोक, 29 नंबर श्लोक अगर हम आगे जाएंगे, तो ऑल लिविंग बींग्स आर इनविजिबल इन देयर बिगिनिंग, मैनिफेस्ट इन देयर इंटरिम स्टेज, एंड इनविजिबल अगेन व्हेन डिस्ट्रॉयड, सो व्हाई लैमेंट। दोनों सिचुएशन में व्हाई लैमेंट, अर्जुन को यही बताया भगवान। तो आगे 29 नंबर श्लोक, दिस इज द श्लोक ऑफ अमेजिंग, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग श्लोक ऑफ दिस अमेजिंग सेक्शन। वट इज दैट, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्, आश्चर्यवत कश्चित् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत् चैनम् अन्य श्रुणोति, श्रुत्वापि एनम् वेद न चैव कश्चित्। तो यहाँ पर बता रहे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। देखिए आत्मा इतनी अमेजिंग है, देखिए अगर आत्मा के बारे में कोई अगर सच में जान लेना, उसको फीलिंग कैसा आएगा पता है, अमेजिंग अमेजिंग, आत्मा इतनी इतनी अद्भुत है, अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था। जैसे यूरेका वाला आप लोगों ने सुना होगा, यूरेका आप लोग किन्होंने सुना है यूरेका के बारे में, यूरेका का अगर एग्जांपल आपने जानते हो, यू कैन रेज योर हैंड्स, यस। तो यस, तो यूरेका के बारे में सबने सुना है, यूरेका वाला मतलब क्या, वो जो आर्किमिडीज था वो नंगा ही घूम रहा था, कि उसको प्रिंसिपल पता चल गया कि किस प्रकार से सोने को अच्छी तरह से परखना है, क्यों उसको वो भूल गया कि मैं कपड़ा भी पहना, उसको लगा अरे मैंने एक ऐसा फॉर्मूला मुझे मिला है कि आई कैन अंडरस्टैंड क्विकली सोना असली है नकली है। उनको राजा ने आदेश दिया था, ये सोना जो मेरे मुकुट का सोना है, कहीं सुनार लोगों ने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, झोला वोला तो नहीं कर दिया। तो उन्होंने तब ये बताया, यूरेका फीलिंग, यूरेका मतलब क्या, कुछ तो करके दिखाया मैंने, कुछ तो मुझे मिला है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कभी कोई चुटकुला मारता है, चोक मारता है, चोक मारने के बाद एक सेकेंड तक चुप ही रहती है, क्योंकि समझ में नहीं आया, जैसे ही समझ में आया ठक ठाक मार के हंसते हम लोग। उसी प्रकार से वो जो एक सेकंड का गैप है, उसके बाद जब समझ में आया, अरे भाई ये चुटकुला था, क्या मजेदार चुटकुला था। दैट इज व्हाट सिमिलर थिंग कैन हैपन व्हेन वन अंडरस्टैंड्स आत्मा क्या है, है ना। इतनी छोटी सी चीज, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, पूरे शरीर को, वो हाथी के शरीर को भी जीवित करके रखी है, छोटे से छोटे चींटी को भी जीवित करके रखी है, सब जगह है वो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, सम सी द सोल इज अमेजिंग। दिस वर्स इज लाइक अ ब्रेन टीजर, जैसे यहाँ पर चार प्रकार के कैटेगरीज के बारे में बताया गया,
astonishing, you know, astonishing. Okay, this, though the soul is atomic, though the soul is atomic, it exists and spreads throughout the bodies of gigantic and microbic entities. बड़े से बड़ा विशाल का जीव उसमें भी आत्मा है, छोटे से छोटे अमीमा उसमें भी आत्मा है. Amazing. Yet it is untouched by the bodily changes. शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है. Amazing, है ना? वाह, बढ़िया यार. And with so many contradictory qualities, the soul is truly astonishing. तो यहाँ पर चार प्रकार की चीजों के बारे में बताया गया है. पश्यति, कोई अगर पश्यति देखता है, अमेजिंग. देखिए, देखना, ये चार चार क्वालिटीज तो चार क्वालिटीज, पहला जो दिखाया भगवान श्री कृष्ण यहां पर बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आत्मा को देखकर, सम पर्सन पीपल दे सी द सोल. देखिए, आत्मा को देखना इतना आसान नहीं है. तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, वो बहुत महान लोग हैं जो आत्मा को देख पाएंगे. दे सी द सोल एंड दे थिंक दैट दिस इज अमेजिंग. तो पहला, उसी प्रकार से देखिए, आत्मा को देखना और भगवान को देखना, ये सबसे बड़ी चीज है, हमारे जीवन का उद्देश्य है. जब भगवान को दर्शन कर पाएंगे, भगवान के त्रिभंग मुरारी रूप को दर्शन कर पाएंगे हम, दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग. पश्यति, हाईएस्ट लेवल, तो वो सबसे स्पेशल चीज है. दिस इज द मोस्ट स्पेशल थिंग कि कोई अगर आत्मा का दर्शन कर पाए या भगवान का दर्शन कर पाए, दिस इज द मोस्ट स्पेशल. इसके बाद का कैटेगरी क्या बताया, कुछ लोग हैं दे हियर अबाउट, सॉरी दे स्पीक अबाउट द सोल. जो लोग कहते भी हैं आत्मा के बारे में, व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब हम कह रहे हैं, लेकिन भले ही हम कह रहे हैं, हमारा रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार आत्मा के बारे में नहीं हुआ है. भले ही मैं कह रहा हूं, मेरा आत्मा साक्षात्कार आत्मा के बारे में नहीं हुआ है, मैं अभी एक थ्योरी प्लेटफॉर्म पे ही कर रहा हूं. तो ऑल्दो माय रियलाइजेशन हैज नॉट हैपेंड, स्टिल दैट इज ऑल्सो स्पेशल, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग. अरे भाई, कोई बोल रहा है आत्मा के बारे में, वो अमेजिंग है. तीसरा कैटेगरी कौन है, देखिए, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं. दिस इज अ ऊपर से नीचे कैटेगरी है, दिस इज अ डाउनवर्ड कैटेगरी. तीसरा, जो आत्मा के बारे में सुन रहा है, अरे आत्मा के बारे में सुन रहा है, वो भी स्पेशल है. जैसे आप लोग हैं, आत्मा के बारे में सुनना चाह रहे हैं, दे आर ऑल्सो अमेजिंग. तो ये सुनना कब होता है, जब सत्संग में आते हैं, तभी हम भगवान के इस पार्टिकल के बारे में सुनने की कोशिश करते हैं. तो सत्संग में आके ही हो सकता है. तो आप लोग भी अमेजिंग हो, है ना, यू ऑल्सो आर अमेजिंग. तो जो ऐसे लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दे आर ऑल्सो स्पेशल पीपल, अमेजिंग. लेकिन फोर्थ कैटेगरी, जो गिरा एकदम ही कुछ काम का नहीं है, बेकार है, जो मतलब ऐसे वो लोग हैं जो ना देख पाते हैं, दे कैन नाइदर सी, दे कैन नाइदर स्पीक अबाउट, दे कैन नाइदर हियर अबाउट. दे आर अमेजिंगली स्टूपिड पीपल, जो आत्मा पे फिर भी विश्वास नहीं है लोगों. लेकिन ये लोग अमेजिंग है, क्यों? ये लोग एकदम अमेजिंगली स्टूपिड है. तो हमारे लिए यहाँ पर ये श्लोक है कि आश्चर्यवत, अरे आत्मा के बारे में अगर कोई समझ पाए, जान पाए, दिस विल बी अ यूरेका फीलिंग इन हिज लाइफ. अरे आत्मा इतनी महान है भाई, इतनी ऑर्डिनरी चीज नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस है ये. तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. आश्चर्य, आत्मा के बारे में जब कोई जानता है, उसके जीवन में आश्चर्य आएगा. आश्चर्य अश्व और जीवन है, से नॉर्मल भाव्य ही ना जिन सारे तो आश्चर्य व्यापार, तो सत्य ये तो खूब साधारण व्यापार ना. आत्मा के बारे में जानना इतना महान है. तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर इतना बड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन किया अर्जुन के साथ, इट मस्ट बी समथिंग, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी थिंग. तो यहाँ पर कंक्लूजन, 30 नंबर श्लोक में यहाँ पर कंक्लूजन हो रहा है. द सोल दैट ड्वेल्स इन द बॉडी कैन नेवर बी किल्ड. तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तीन श्लोकों में कवर कर दिया, तीन श्लोकों में बताया कि मैं चलो बता रहा हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ जो कि आत्मा को नहीं मानते. आत्मा को नहीं मानते कौन लोग? वो लोग जो आत्मा को नहीं मानते, व्हाट आर दे? दिस 26, 27, 28, इन तीन श्लोकों में भगवान ने बताया एथिस्ट लोगों का व्यू पॉइंट. लेकिन 29 और 30 में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं. व्हाट इज दैट कंक्लूजन? माय कंक्लूजन इज अर्जुन, द कंक्लूजन इज कृष्ण यहां पर बताएंगे 30th नंबर श्लोक का. देहि नित्यम अवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि. यहाँ पर भगवान बता रहे, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ही हु ड्वेल्स इन दिस बॉडी कैन नेवर बी स्लेन. इस शरीर में जो भी रहता है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती. देयरफॉर यू नीड नॉट ग्रीव फॉर
एनी लिविंग बीइंग, इसलिए कभी भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस सेक्शन का अल्टीमेट अगर व्यू पॉइंट अगर हम देखने जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अभी जीव के बारे में, आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया, आगे चल के इसके बाद वाला जो सेक्शन आने वाला है वो कर्म के बारे में अभी शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है। तो जस्ट अ सेकंड, तो दिस सांख्य, এই সেকশনটা নাম সাংখ্য কেন পড়লো? অনেক জন কারা কারা বাঙালি আছেন এখানে, ইউ ক্যান রেজ ইওর হ্যান্ডস, বাঙালি যারা আছেন আপনারা হাত তুলতে পারেন। ওকে ওকে, সো মেনি পিপল, বেস, তো যারা যারা বাঙালি আছেন, জিতনে লোক বাঙালি হ্যায়, ইয়ে সাংখ্য শব্দটা, ইয়ে সাংখ্য শব্দ বাঙালি বহুত মানে ইটস কোয়াইট কোয়াইট আ ফেমাস টার্ম সাংখ্য। তো সাংখ্য মানে কি? সাংখ্য মানে হচ্ছে দিস ইজ আ স্টাডি। সাংখ্য মানে আমরা যদিও আমরা অনেক ইউজ করি কিন্তু এর মানে জানি না। সাংখ্য মানে হচ্ছে স্টাডি অফ ম্যাটার এন্ড স্টাডি অফ স্পিরিট, অফ স্পিরিট কে আন্ডারই গড আ গিয়া। তো বেসিক্যালি সাংখ্য, সাংখ্য মিন্স স্টাডি অফ ম্যাটার এন্ড স্টাডি অফ স্পিরিট, আত্মা কে বারে মে জাননা আর পরমাত্মা আর ভৌতিক প্রকৃতি কে বারে মে জাননা। তো ইয়ে যো সাংখ্য স্টাডি হ্যায় বেসিক্যালি কপিল মুনি, আপ লোগো নে সুনা হোগা কপিল, গঙ্গা সাগর কে যো কপিল মুনি হ্যায়, কপিল মুনি নে আপনি মাতা দেবহিতি কো, कपिल मुनि ने, he is the main propounder of सांख्य philosophy, उन्होंने अपनी माता देवाहुति को श्रीमद भागवतम में अगर देखेंगे, देवाहुति, उन्होंने उनको ये सांख्य का ज्ञान दिया कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत को आप 24 तत्वों में भाग डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड दिस वर्ल्ड इन 24 एलिमेंट्स एंड द 24th एलिमेंट, 25th एलिमेंट इज आत्मा एंड देयर इज अ 26th एलिमेंट ऑल्सो विच इज गॉड। Unfortunately, इस material world में जो नास्तिक लोग हैं, वो सिर्फ 24 elements का ही study कर रहे हैं। They are just studying, these are the atheistic people who are also studying, atheists are also studying Sankhya, but वो लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 24 elements को ही पढ़ाई के बारे में ही study कर रहे हैं। लेकिन जो spiritualist होते हैं, आत्मा के विज्ञानी होते हैं, जो spiritualist होते हैं, वो 25वें और 26वें दोनों स्पिरिचुअलिस्ट आर स्टडिंग 26 एलिमेंट्स और एथिस्ट लोग दे आर स्टडिंग जस्ट 24 एलिमेंट्स। वो आत्मा आत्मा विश्वास नहीं करते। तो यही सेक्शन का नाम सांख्य कैन पढ़ लो, कारण एटा होच्छे फिलोसफी। तो अभी हमने जो कवर किया, देखिए हमारा पहला सेक्शन खत्म हुआ 2.1 टू 2.10। नेक्स्ट सेक्शन इज 2.11 टू 30, 11 से 30वां नंबर श्लोक, ज्ञान योग या सांख्य योग। तो ये सांख्य, सांख्य मतलब इस संसार को संख्या पूर्वक अगर विभाजित करें, संख्य मतलब संख्या के हिसाब से, मतलब क्या, धरती वायु जल अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो 8 हो गए, इसके अलावा और 15 हैं, तो टोटल 23-24 और प्रधान, ये 24 हिसाब से डिवाइड करते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा इसमें 24 एलिमेंट्स क्या हैं हम डिस्कस करने की। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अभी तक हमारे चैप्टर 2 भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में क्या क्या हमने डिस्कस किया, देखिए अभी तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी है। ये भले ही लास्ट 4 सेशन में मैंने नॉर्मल चीजें, आपको लगेगा कि भाई सिर्फ आत्मा का ज्ञान इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, नहीं, क्या क्या चीज हम लोगों ने डिस्कस की। पहला जो डिस्कस किया था अर्जुन का कंफ्यूजन के बाद, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग अ गुरु, एक सेशन हुआ था आप लोगों को याद आ रहा होगा, हाउ टू एक्सेप्ट अ बोनाफाइड गुरु, सही गुरु को कैसे पहचान करें, क्योंकि अर्जुन ने भी गुरु की शरण ली। दूसरा, पिछला क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ रीइंकार्नेशन, किस प्रकार से पुनर्जन्म होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो ये हमने आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा, कलयुग किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, क्या डेटिंग, कार्बन डेटिंग हुई, और आर्यन इन्वेशन थ्योरी किस प्रकार से पकाया गया स्टोरी था, इट्स अ कुक्ड थ्योरी विच वी आर बीइंग टॉट, और उसी को हम रगड़ रहे, है ना। और चौथा, लास्ट सेशन में हमने कवर किया 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन, चार चीजें हैं जो हर व्यक्ति को माननी चाहिए, दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो नाउ द सेक्शन 2 बिगिंस, हम लोग एक श्लोक लेके हम लोग बिगिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज सेक्शन 3, ठीक है। तो सेक्शन 3 31 से 37 नंबर श्लोक, सकाम कर्म या कर्म कांड, इसका नाम है कांड, हम लोग कांड करते हैं, भगवान एक कांड के बारे में बताने वाले हैं अभी। परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटी गिव्स एंजॉयमेंट, इसके बारे में भगवान बताएंगे। फ्रॉम लॉस लॉस टू विन विन सिचुएशन, तो एक 31 नंबर श्लोक का लेकर हम आज विराम देंगे। 31, तो यहां पर अभी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं।
So this section begins. Swadharma papi chaveksha na vikampitu ar vikantimu vikampitum arhasi dharmyadhi yad yadash yad dharmadhi yuddhacheyo anyat kshatriyasya na vidyate. भगवान श्री कृष्ण ने अभी अभी बोलने का स्टाइल बदल दिया. आत्मा खत्म हो गई, अभी उनको इंस्पायर कर रहे हैं. यू आर अ क्षत्रिय अर्जुन, यू आर अ क्षत्रिय, यू शुड फाइट, यू शुड फाइट. तो यहाँ पर भगवान ओपिनियन दे रहे हैं. ओके अर्जुन, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, एक ओपिनियन खत्म हो गया, दूसरा लॉजिक भी तो देना अर्जुन को. दूसरा लॉजिक भगवान दे रहे हैं, देखो तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो. क्षत्रिय का कार्य क्या है, इस पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं. क्षत्रिय का कार्य है शतः शत त्रायते इति क्षत्रिय. जैसे मनः त्रायते इति मंत्र, भगवान का नाम हमारे मन को क्या करता है, इट गिव्स सो मच रिलीफ फ्रॉम सो मेनी एंजाइटीज. उसी तरह से क्षत्रिय का मतलब क्या है, क्षत्रिय का मतलब क्या है, शत त्रायते इति क्षत्रिय, वो जो प्रोटेक्शन देता है. तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्षत्रिय का क्या ड्यूटी है, व्हाट इज. क्षत्रिय को कभी भी संन्यास नहीं लेना है. क्षत्रिय इज नेवर मेंट टू टेक संन्यास. क्षत्रिय को कभी संन्यास का प्रावधान नहीं है. क्षत्रिय कभी संन्यास नहीं ले सकता. किस कौन संन्यास ले सकता है, ब्राह्मण ले सकता है. तो ब्राह्मण जो कर सकता है वो क्षत्रिय को नहीं करना है. या फिर अगर अगर संन्यास लेना भी है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्षत्रिय संन्यास ले भी ले, आफ्टर वन इज डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पूरा कार्यभार रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है, देन यू कैन टेक संन्यास, राइट. जैसे भरत महाराज ने किया, देन टेक संन्यास. तो दैट्स व्हाट. तो उसको अहिंसा, और वो भी क्या, जब ही इज जस्ट गिविंग लॉजिक ऑफ अहिंसा व्हेन देयर इज नीड ऑफ हिंसा. जब युद्ध शुरू होने वाला है, बोल रहा है मैं भाग रहा हूँ, मेरे को अभी संन्यास ले रहा है. अरे ये पागल हो गया तू, एग्जाम के टाइम में बोल रहा है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरे को डर लग रहा है. तो अगर ऐसा कोई करे, तो कोई ना कोई भी अच्छा टीचर हो और स्टूडेंट को बोले क्यों पागल हो गया तू, यू आर जस्ट अ फूल. दैट्स व्हाट कृष्णा इज ऑल्सो इंस्पायरिंग, बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय, देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट. आपके लिए कोई और एंगेजमेंट अच्छा नहीं है, रादर देन फाइटिंग. आपके लिए बस फाइटिंग है, फाइटिंग है. You are not to ask why, just to do or die. That's what Krishna is telling here. आपको यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछना है, आपको do करना है और die करना है, या एक यही दो ऑप्शन है. यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं दो प्रकार के स्वधर्मों के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे. कि स्वधर्म दो प्रकार के हैं, दो प्रकार का स्वधर्म है. एक है अपने आत्मा का धर्म, और एक है एक अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी. तो अर्जुन को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, वो जॉब स्विच ओवर करना चाह रहा था, फ्रॉम क्षत्रिय वो ब्राह्मण बनना चाह रहा है, वो भी युद्ध भूमि के बीच में. तो दिस वॉज नॉट करेक्ट, दिस वॉज नॉट करेक्ट, कृष्णा विल बी टेलिंग हिम. तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी बताएंगे कि स्वधर्म और पराधर्म दो प्रकार के धर्म है, वो हम अगले चैप्टर अगले सेक्शन में कवर करेंगे. तो होपफुली वी विल एंड अप विद टुडे सेशन. अगर कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, और बट हमारा उद्देश्य क्या है, हमें यही करना है, भगवान का नाम लेना है. तो अभी फिनिश करने के पहले पूर्व हम कुछ मंत्र जप करेंगे, we will chant some mantras, because मुझे पता नहीं आप लोग घर पे बैठ के किस प्रकार से नाम जप कर रहे हैं. और उसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न है तो चार कुछ प्रश्न हम ले सकते हैं. तो right now our session is almost finished, and now we are like just we will be chanting some rounds of Hare Krishna. तो मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट 20 महामंत्रास हम सब, आप लोग जहां पर भी हैं, आप लोग सुन के जोर जोर के बोलने की कोशिश कीजिए. मंत्र को मन में नहीं करना है, क्योंकि मन ऐसे ही हमारा हावी है हम पे, हमको जोर जोर से बोलना चाहिए. वी शुड ट्राई टू क्राई आउट टू लॉर्ड कृष्ण, जैसे द्रौपदी ने पुकारा है, हम सबको पुकारना है भगवान कृष्ण को. पुकार ये करुण पुकार रही कि तभी हम भगवान कृष्ण की शरण ले सकेंगे. तो दैट्स व्हाट वी शुड ट्राई टू डू. सो नाउ वी कैन ऑलवेज जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक आउट आवर स्लाइड्स. This is our famous slide. हम लोगों का पहला first day से हमारा ये slide चल रहा है. तो before beginning, we take shelter of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Gadadhar and Shrivas, and then we'll begin our chanting. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaur Bhakta Vrinda. You can all recite with me together. Hare Krishna 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 Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम नाम कलि कल्मष नाम नाशनम्। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। तो अभी किसी का अगर कोई प्रश्न है, वी कैन ऑल, आप लोग घर पे कैसे जप कर सकते हैं? जोर जोर से जप करना है, मन में नहीं करना है, नहाने की आवश्यकता नहीं है, बिना नहाए भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट टाइमिंग्स, डोंट वरी अबाउट बाथिंग, और इवन फॉर भगवद गीता बिना नहाए भी पढ़ सकते हैं, जब भी आपको समय मिले पढ़िए, दैट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये इतनी शुद्ध है, हमें वो किसी भी अवस्था में शुद्ध कर सकती है, उसके लिए आप कभी भी चिंता मत कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का प्रश्न है? ओके, आज फिर से ब्लैक बॉक्स आया है। अरे कृष्णा, मुझे पता नहीं था आज फिर से ब्लैक बॉक्स फिर से आके डिस्टर्ब किया है। ये हमें समाओ जूम का कुछ तो गड़बड़ चलता रहता है, फिर बार बार ब्लैक बॉक्स आ जाता है ये, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, कभी कभी स्क्रीन क्लियर नहीं रहता है। तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा, बट आई डिडंट नोटिस इट, आई एम रियली सॉरी, बट एनीवेज भगवान अगर चाहेंगे जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, ऑफकोर्स लॉर्ड विल कन्वे थ्रू दिस what can be done, but this is not under my control. कभी कभी बार बार ये zoom कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। जूई मजूमदार is asking how we get to know about our past life के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि ये प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में जानने जाएंगे और भी ज्यादा दुख होगा, किसी ने आपको किस प्रकार से धोखा दिया, किसी ने आपको किस प्रकार से पैसे खड़प लिए, किसी ने आपके कितना दुख दिया, ये सारी चीजें जानकर कभी इस जीवन में, इज इट रियली इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ, व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज नेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट पास्ट, पास्ट इज गॉन, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज बी इन द प्रेजेंट एंड प्लान अबाउट द फ्यूचर। तो जनरली बहुत लोग सोचने चाहते हैं कि भाई मेरा पास्ट क्या है, मेरा पास्ट क्या है, क्योंकि पास्ट के बारे में भगवान भी नहीं चाहते कि कोई आत्मा फालतू का दिमाग खराब करे, इसीलिए पास्ट भुलवा देते हैं हमें, क्योंकि पास्ट के बारे में अगर याद रहेगा तो ये प्रेजेंट लाइफ उसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा, ही कैन नॉट एंजॉय, अ लिविंग एंटिटी कैन नॉट एंजॉय दिस प्रेजेंट लाइफ। दैट्स व्हाई हमारे एक फिनोमिनन है दैट वी फॉरगेट दिस पास्ट लाइफ, किसी किसी केसेस में किसी को याद रह जाता है, बट धीरे धीरे उनके जीवन में भी जैसे ही 4-5 साल होते हैं वो लोग भी भूलने लगते हैं अपने पिछले जीवन को, ताकि नेक्स्ट जीवन को, क्योंकि हर जीवन हमारा एक प्रकार से एक सीरीज है, ताकि टू गो अहेड इन आवर लाइफ, टू गो अहेड इन आवर इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसको आगे देखते हुए भगवान भी हमारा क्या करते हैं, पिछले सारी मेमोरीज भुला देते हैं, एंड दैट इज गुड ओनली, डोंट वरी अबाउट पास्ट लाइफ, थिंक अबाउट फ्यूचर,
ताकि इसके बाद नेक्स्ट लाइफ ना लेना पड़े। भगवान का धाम बैक टू गॉड इट शुड बी सर्टेन इन आवर लाइफ। नेक्स्ट लाइफ में हरि का नाम लेते हुए ये शरीर त्यागे हम, दिस शुड बी आवर गोल। लता बोस इज आस्किंग व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सधर्मा। 31 श्लोके एटा आछे, प्रथम होच्छे पराधर्म एंड अपराधर्म। एटा आमरा क्लियर करबो माताजी, आमरा नेक्स्ट लाइफे आमरा स्वधर्म और पराधर्म ब्यापारे আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা ক্লিয়ার করব, খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্বধর্ম মানে দ্য ধর্ম অফ দিস বডি এন্ড পরাধর্ম ইজ দ্য ধর্ম অফ দ্য সোল, তো ও আগে আপনার ক্লিয়ার হোগা, চিন্তা মত কিজিয়ে। নিরঞ্জন মজুমদার ইজ আস্কিং ওই অথেন্টিক জপমালা কোথায় থেকে পাবো, কিনবো? অথেন্টিক আর নন অথেন্টিক কিছু নেই, যেখান থেকে আপনি নিতে পারেন। জপের মালা মানে জপের মালা, যেখান থেকেও নিতে পারেন। তো ইসকনের মন্দির থেকে নিতে পারেন, বা আপনি আমাকে বলবেন, না অনলাইন আমরা ডেলিভার করার চেষ্টা করবো, আপনি আমাকে জানাবেন, আমরা কুরিয়ার করে দেবো আপনার বাড়িতে। কিন্তু মালা থেকে কুরিয়ার চার্জেসটা বেশি পড়ে যাবে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। চিরঞ্জিৎ ইজ আস্কিং ইজ টাইম প্লেস প্রসেস অফ ডেথ ইজ প্রি ডেস্টিনড? ইয়েস, হম লোক জব জন্ম লেতে হামারা এক্সপায়ারি ডেট হামারে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট কে সাথ এক্সপায়ারি ডেট ভি লেকে আতে হাম, হমে পতা নেই কব হম মরনে ওয়ালে। বট আগর কোই ভক্তি করতা হ্যায় तो उसका कर्म चेंज हो सकता है। हमने भगवत गीता में स्टार्टिंग में बताया था, चिरंजीत तो हमारा पास प्रथम बोले श्रम काल कर्म, सर काल कर्म जीव प्रकृति एंड एंड द सुप्रीम सोल परमात्मा भगवान, ये पांच सब्जेक्ट में आते हैं। इसमें कर्म जो है दैट इज फ्लेक्सिबल, बट वह बाकी जो चार है वो हमेशा इटर्नल रहते हैं। यानी कि कर्म चेंज हो सकते हैं। अगर कोई भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में भगवान का नाम करता है, उसके कर्म परिवर्तित हो सकता है। हो सकता है उसको चाकू, क्योंकि पिछले जन्म में किसी को चाकू भोगा है उसने, उसको भी चाकू से मरना है, लेकिन शायद क्योंकि वो भक्ति में स्टार्ट किया है उसने, भगवान कृष्ण उसके फ्यूचर चेंज कर देते हैं। कैसे? शायद भगवान क्या करेंगे, उसका शायद उंगली कट जाएगा, सब्जी काटते काटते थोड़ा कट गया, बस उतना झेलना है हमें। तो भगवान जब हम भक्ति में आते हैं, हमारे बहुत सारी चीजों को चेंज करते हैं, बहुत सारी खराब चीजें होने वाली होती है। भगवान देखते हैं, अरे भाई इसको एक चांस देना चाहिए, आई शुड गिव हिम वन चांस। दैट्स व्हाट लॉर्ड डज एंड ही मिनिमाइजेस आवर कर्मा, ही टेक्स इट ऑन हिज हेड। बट जब भक्ति में नहीं रहते हैं, देन कर्मों का प्रोसीजर नॉर्मली चलता रहता है, क्योंकि हमने शरण नहीं ली है भगवान की। दैट्स व्हाई वी जनरली गेट बर्थ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मृत्यु और जन्म तो चलता रहता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए भक्ति, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दैट्स व्हाट। ओ नीलांजन स्टेरिंग ब्लैक बॉक्स अच्छे कोलीराज डिस्टर्ब करते है, तो ओके, तो कोलीराज डिस्टर्ब करते है, तो टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब करते। एनीवेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हरे कृष्णा, हरे कृष्ण एंड हरे कृष्णा? रमेश तोलानी जी इज आस्किंग इज डिफरेंस बिटवीन हरे कृष्ण एंड हरे कृष्णा इन प्रोनाउंसिएशन। देखिए, भगवान को किसी भी प्रकार से बुला रहे हैं, अगर आप बुलाने किसको बुला रहे हैं वो अगर परफेक्ट है, तो आपको किसी भी तरह से प्रोनाउंस कीजिए। चाइनीज लोग तो रा ही नहीं है उनके डिक्शनरी में, है ना? हले कृष्णा 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 हले 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 लाम 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 हले हले। अभी वो जितना भी हले हले करे, वो भगवान को तो बुला रहे, भाई भगवान जानते हैं, भाई मेरे को बुला रहा है, भगवान टेक केयर कर लेंगे। तो आप अगर हरे किशन करें, हरे कन्हैया करें, वो नहीं करना है बस, ऑफकोर्स। अरे हरे कृष्ण करें, हरे कृष्णा करें, जैसा भी करें, है ना? अभी जैसे कभी कभार क्या है, गुजराती में कृष्ण, हरे कृष्ण, वो कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं। अरे कृष्ण को तो बुला रहे भाई, कृष्ण देखेंगे। अरे भाई किसको बुला रहे, वो आपको चिंता नहीं कर रहा है। बामरा हरे कृष्ण बोलती बांग्ला कृष्ण डाक्षिण तो कृष्ण के। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्मकांड। कर्मकांड में जब कोई यज्ञ करता है तो मंत्र एकदम परफेक्ट होना चाहिए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उसमें एक मंत्र गड़बड़ कर दिया तो आपका यज्ञ बर्बाद हो गया। लेकिन ये कर्मकांड नहीं है, भक्ति है। भक्ति में हम जो भी कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेकर, भगवान की शक्ति है उसमें विद्यमान, भगवान पर्सनली है उसमें, भगवान भावग्राही जनार्दन है। आप जिस भाव से भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा करें, हरे कृष्ण करें, हरे कुछ भी करें, एटलीस्ट आपको ठीक तरह से कोशिश करनी चाहिए प्रोनाउंस करने की। ऑफकोर्स Still, Lord will listen. Don't worry. So, Richa is asking, Bhagavad Gita second chapter 27 number shlok mein, second para mein Bhagavan Shri Krishna keh rahe hain ki Mahabharat battle was an inevitable event, being the will of Krishna. So, when Krishna went to Hastinapur with the peace treaty before the war, did Duryodhan really have the free will to choose or decide? How can we blame Duryodhan for the war when the war was destined by Shri Krishna to teach dharma to the world?
इट मींस दैट ही नेवर हैड फ्री विल, इट वाज पुट इनटू हिज माइंड टू इनवाइट वॉर. देखिए यहाँ पर एक एक चीज है, हम लोग एक एस्पेक्ट से ले सकते हैं, लीला पर्सपेक्टिव से, एक पर्सपेक्टिव से हम कहानी के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं. जब भगवान श्री कृष्ण गए उनके पास, देखिए भगवान किसी भी जीव को कभी भी फोर्स नहीं करते. भले ही भगवान ने, देखिए एक एक ऐसे उदाहरण देता हूं मैं, सिमिलर उदाहरण, जब श्री राम जी के पास विभीषण गए शरण लेने के लिए, तो विभीषण ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और बोला कि भगवान मेरा जीवन आपका है. तो उस समय भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उसको लंका का राजा बना दिया. उस समय डिक्लेयर किया, अरे विभीषण तुम तो क्या, अगर रावण भी आज मेरे शरण ले तो मैं उसको जीवन दान दे दूंगा. रावण भी अगर आज मेरी शरण लेगा तो आई विल गिव हिम लाइफ, मैं उसको माफ कर दूंगा और उसे मैं राजा बना दूंगा. तो अभी सब सुग्रीव लोग पूछ रहे हैं, अरे आप राजा कहाँ का बनाओगे, राजा तो आपने ऑलरेडी विभीषण को बना दिया लंका का, आप कहाँ किसका कहाँ का राजा बनाओगे. सोचिए राम जी का इतना, ही सो ग्रेट, ही इज टेलिंग मैं राजा, मेरे पास अगर लंका नहीं है मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा रावण को अगर वो मेरी शरण लेता है. बट रावण वॉज नेवर टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड राम. तो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव है, एक लीला का पर्सपेक्टिव ये भी है कि संसार को भी कुछ लेसन सिखाने हैं. तो हर चीज का देखिए, जब भी भगवान आते हैं एक तीर से बहुत सारे निशाने मारते हैं, एक तीर से बहुत सारे शिकार करते हैं भगवान. एक हर इंसिडेंट का हम लोग दो तीन पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, एक लीला पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, भगवान कृष्ण किस प्रकार से लीला कर रहे हैं, हर जीव को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको शरण, उनकी शरण लेने की. दूसरा अपॉर्चुनिटी ये भी है, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी वचन दिया था कि इस तरह के अगर दुर्योधन एंड ऑल पार्टी दे शुड हैव टू बी किल्ड बिकॉज दे हैव वायलेटेड द लाइक वायलेटेड द्रौपदी. द्रौपदी को उन्होंने वचन दिया था. तो अभी आपको सोचेगा ये दोनों कैसे ये होगा. तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि देखिए मृत्यु तो सबकी आने वाली है, अगर वो दुर्योधन शरण ले भी लेता अल्टीमेटली ही वुड बी गेटिंग किल्ड. तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बहुत सारे लेसन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, भगवान कृष्ण ने सच में उनको अपॉर्चुनिटी दिया था, कर्ण को भी अपॉर्चुनिटी दिया था, प्लीज कम टू मी, प्लीज टेक शेल्टर ऑफ पांडवास, नाइदर कर्ण नॉट दुर्योधन. अरे इतना क्या, कर्ण को किसने किसने अपॉर्चुनिटी दिया, सूर्यदेव, कुंती माता, लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, सब लोग जाकर उनको समझाए, कोई नहीं समझा. दुर्योधन जाकर गए उनके सामने, सब कुछ किया, दुर्योधन बाहर निकल गया, अरे भाई मैं पार्टी को सबको बुला के लेकर आ रहा हूँ, भगवान को मैं बांधूंगा. अरे बांधने के चक्कर में गया, देखा विराट रूप, सबने देखा, अरे अंधा धृतराष्ट्र, अंधे धृतराष्ट्र ने भी देखा कि भगवान का विराट रूप. और तो और देखिए अर्जुन के पहले दुर्योधन ने पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी किसी के हृदय में हर्ट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, देन व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, इतना जिद्दी व्यक्ति है उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा. और दूसरा एक और चीज यहाँ पर ये भी है, क्योंकि दुर्योधन वास कलीराज पर्सनिफाइड, कलीराज स्वयं है, वो किसी की शरण नहीं लेने वाले मुझसे है. तो ऐसे व्यक्ति में देखिए भगवान कृष्ण वॉर करवाना नहीं चाहते. यहाँ पर एक तरह से बहुत सारी चीजें हैं, इस विश्व में शिक्षा भी देनी है भगवान को कि ऐसे लोगों की ये गति होती है. दूसरा शिक्षा ये भी है कि मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की, अरे वो जो मुझे बांधने के लिए आया है, भगवान चाहते तो उसी समय दुर्योधन को खत्म कर देते, लेकिन नहीं किया खत्म, उन्होंने बस विराट रूप दिखाया और वहां से चले गए, तू मुझे क्या बांधेगा. तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. चिरंजीत इज आस्किंग हु क्लेम्स द सोल ऑफ अ भक्त आफ्टर डेथ. भक्त जब जीवन त्यागते हैं तो विष्णु दूत आते हैं गरुड़ विमान पर बैठ के हुए, और सब जैसे तुकाराम जी का, तुकाराम जी को पूरे गांव वालों ने देखा कि अभी भी आप जगह आप अगर जाएंगे पंढरपुर में, पूरे गांव वालों ने देखा कि किस प्रकार से एवरीवन कुड सी द गरुड़ हैड कम टू टेक तुकाराम. अमिता खास्टो इज आस्किंग इफ परीक्षित महाराज वाज आइडियल किंग व्हाई वाज ही कर्स्ड, व्हाई डिड ही इंसल्ट द सेज. देखिए उस समय भगवान परीक्षित महाराज अगर आइडियल राजा थे तो उनको क्यों अभिशाप मिला, उन्होंने ऋषि का जो समीक ऋषि था उनका अपमान क्यों किया. बेसिकली यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये देखनी है, भगवान श्री कृष्ण का जो उद्देश्य था परीक्षित महाराज से वो पूरा हो गया. यहाँ पर फिर से वो लीला पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे लेना है. भगवान श्री कृष्ण ने जिस कृष्ण ने गर्भ के अंदर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने बचाया, उसे लास्ट मोमेंट में भगवान बचाने नहीं आते, आपको क्या लग रहा है. यहाँ पर जानबूझ के भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी एक लीला रची ताकि श्रीमद भागवतम का उदय हो सके. तो अंतिम समय में हमें ये सिखाना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज ने पता, जब परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, कभी कभार हम लोग को पता चलता है मेरे को कुछ डेडली डिजीज है, 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, तब क्या करना चाहिए, तब परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए कलयुग के लोगों को सिखाने के लिए कि हमें ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है. भगवान कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची कि परीक्षित महाराज सोचिए इतने सेंस कंट्रोल थे, वो बचपन में ब्रह्मास्त्र के तेज को सहन कर चुके थे, इतनी इतना जलन हो रही थी उसको सहन कर लिया
और जंगल में जाके थोड़ी सी प्यास लगी, पानी की प्यास लगी, और उस श्रमिक ऋषि के गले पे उन्होंने एक मरे हुए सांप को डाल दिया। अरे आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है? इस पूरे घटना के पीछे भगवान कृष्ण की योग माया का हाथ था, ताकि श्रीमद् भागवतम का उदय हो सके, और वो सुखदेव गोस्वामी की शरण लेंगे, श्रीमद् भागवतम उदय होगा, देन वी विल बी बेनिफिटेड। कलयुग के लोग जीवन कलयुग के जीव बेनिफिट पाएंगे। तो दैट्स व्हाई कृष्ण वाज इंडिकेटिंग हियर। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेशा पुनान अर्को अधुनोदितः। देखिए 5100 साल, हमने जो भी बताया 5000 साल पहले जैसे ही भगवान कृष्ण गए, जाने के बाद 30 साल बाद परीक्षित महाराज को कर्ष मिला। उस 30 साल के बाद जैसे ही भगवान गए, 30 साल के बाद दूसरे एक सूर्य का उदय हुआ, एक सूर्य अस्त हुआ भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य का, लेकिन उसी श्री कृष्ण का दूसरा सूर्य उदय हुआ, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। ये जो श्रीमद् भागवत है, भागवत पुराण है, अमलम पुराण है, ये भगवान का ग्रंथ अवतार है। हमने बहुत सारे अवतारों के बारे में पहले वाले क्लासेस में बताया, दिस इज ग्रंथ अवतार। इस ग्रंथ जैसे नाम अवतार है, भगवान का हरि नाम अवतार है, ग्रंथ अवतार है, ये हम लोग को पर्सनली आया है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं हम लोग को हरि कथा के बारे में बताने के लिए। तो इसलिए ये सारी चीजें घटनाएं घटी। कमल मोहन भट्टाचार्य इज आस्किंग हु इन्वेंटेड और इनिशिएटेड हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये किसी ने इन्वेंट नहीं किया है प्रभु जी, ये जो मंत्र है ये गोलोक वृंदावन का नॉर्मल मंत्र है। गोलोक वृंदावन देर आर वेरी, आपको मैं ये मैंने स्लाइड्स आपको कभी दिखाया नहीं है, तो आपको अभी मैं ये स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा। तो दिस इज द कॉस्मोलॉजी। अगर आप वैदिक कॉस्मोलॉजी में अगर देखेंगे, वेदों में अगर कॉस्मोलॉजी, जिस पर कभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो ये गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का जो अपना तो धाम है, नित्य धाम है। दिस इज आपके सामने ये गोलोक का चार्ट दिख रहा है। तो दिस धाम इज एक्चुअली, अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करें, हम ब्रह्मांड में एक इन बिटवीन जिस लोक में है उसका नाम है भूरलोक। भूरलोक के ऊपर 7 ऊपर लोक है, सत्य तप जन महर स्वर लोक और भूवर लोक। नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल, ये 7 लोक नीचे है। और इस ब्रह्मांड की कवरिंग है 7-8 कवरिंग है, महतत्व फॉल्स इगो इथर एयर, ये ब्रह्मांड के हर एक ब्रह्मांड की कवरिंग एक ये है। इसके ऊपर एक धाम है जो कि नित्य धाम है, शाश्वत धाम है। ये जितना भी इस पार में आप जो देख पा रहे हैं, इतने सारे ब्रह्मांड आपको दिख रहे हैं, ये सब ब्रह्मा विष्णु के एक एक लोम कूप से एक एक ब्रह्मांड क्रिएटेड होते हैं। हम जब भी सेक्शन लेंगे, जब क्रिएशन वाला सेक्शन आएगा, मे बी इन चैप्टर 7 में जब सेक्शन आएगा किस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, तब ये सारे सेक्शंस लेने वाले हैं। इस धाम के ऊपर धाम आता है, ब्रह्म संहिता में ये सब डिस्कशन आता है। ब्रह्म संहिता बृहद भागवतामृत श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद। आगे ऊपर के धाम में आता है वैकुंठ धाम, जहां पर विष्णु के अवतार, विष्णु के बहुत सारे रूप हैं, जैसे प्रद्युम्न, श्रीधर, नरसिंह अवतार, इन सबके धाम है, अपने अपने खुद के प्लैनेट है। यहां से वो लोग अवतार लेते हैं इस धाम में, इस ब्रह्मांड में। तो हम जब देखते हैं कि जब भगवान का अवतार होता है, कहां से अवतार होता है, वैकुंठ धाम से अवतार होता है। नीचे आते हैं वो कहां पर, इस धरा भूमि पर, भूलोक में। उसके भी ऊपर एक धाम है जो कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का धाम है, जिसे कहा जाता है गोलोक वृंदावन। इस गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने जो 5000 साल पूर्व लीला की, वो वहां पर नित्य लीला चल रही है। देयर ये वो धाम है जहां पे हमने बताया था सेशन नंबर 5, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, जहां दुख भी ना हो, जहां प्यार ही प्यार पले। तो ये वो धाम है जहां भगवान श्री कृष्ण के हमेशा आनंद भरी लीलाएं चलती हैं। ये जो मंत्र है ये गोलोक का मंत्र है। गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रोतिना जन्मिलो कनोताय। दिस इज अ हरे कृष्ण महामंत्र। ये किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पूर्व आए, उन्होंने इस धाम से वो मंत्र को इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर उस मंत्र को लाकर खड़ा किया है हम सबके सामने। इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी मंत्र, इसको नॉर्मल मत समझिए। किसी ने इसको प्रिवेंट नहीं, इसको क्रिएट नहीं किया है, डोंट वरी। बस धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये सारी चीज क्या है। सोमी इज आस्किंग हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। प्रभु जी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए पहले सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 17 पहले आप भगवत गीता का पढ़िए, आई वुड रिकमेंड यू। हमें सत्वगुण में आना है। जब तक हम सत्वगुण में नहीं आएंगे, रजोगुण तमोगुण में रहेंगे हम, वी विल बी अफेक्टेड बाय इमोशंस।
गुस्सा, काम वासना, ये वो, सो मेनी थिंग्स विल कम. हमें किस गुण में आना है? सतोगुण. दैट इज अ गुण विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पीसफुलनेस. तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रीड चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17, सतोगुण के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसीलिए सतोगुण के लिए पहला जरूरी चीज क्या कार्य है, अपने जीवन को रेगुलेट करना. सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे खाना खाना. पहले जीवन रेगुलेटेड हो, हम सही टाइम पे भगवान का नाम जप करें. अगर जीवन अनरेगुलेटेड रहे, पूरे कुछ भी समय पे कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जीवन का कुछ अगर टाइम टेबल फिक्स नहीं है, दैट मीन्स वी आर इन मोड ऑफ रजोगुण. और अगर सो रहे 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 8-8 घंटा, तो दैट इज लाइक वी आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. और व्हेन वी आर टू मच एंग्री, वी आर टू मच लस्टी फीलिंग, दैट मीन्स वी आर इन मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस. हमें सत्व गुण में आना है. कैसे? भगवद गीता पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, सही समय पर उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जल्दी सो जाइए. इसीलिए जल्दी सोना जरूरी है. 10-11 बजे तक सो जाकर सुबह 4-5 बजे उठ जाइए, है ना. इसीलिए सबसे तब मन कंट्रोल में आएगा. और भगवान का नाम जप कीजिए. दिस इज व्हाट वी कैन डू. तो ये तो मैंने शॉर्ट में आंसर दिया. ऑफ कोर्स वी कैन इलैबोरेट. तो शो मी, समहाउ टाइम इज लेस, वी हैव टू टेक अदर क्वेश्चंस आल्सो. शुभांगी इज आस्किंग, डू वी कैरी पास्ट लाइफ्स अनफुलफिल्ड पर्पसली सरप्रेस्ड डिजायर्स. हम पिछले जन्मों के कुछ डिजायर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्या? यस वी डू कैरी फॉरवर्ड. पिछले जीवन के जो भी हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, भगवान देखते हैं कि इसकी इच्छा रह गई है, इसीलिए आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसीलिए दूसरा जन्म होता है. निलंजन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. आपका जो क्वेश्चन है मेरे को समझ में नहीं आया. जयंत मुखर्जी इज आस्किंग, आत्मा अगर कर्म के ऊपर निर्भर होता है, अगर निर्भर होती है, तो why परमात्मा has given full freedom to the soul. भगवान ने पूरी freedom क्यों दे दी है एक आत्मा को? आपको अगर भगवत गीता का वो session याद आ रहा हो, भगवान श्री कृष्ण ने हमें freedom क्यों दी है? Just we'll take the session. भगवान श्री कृष्ण हर एक व्यक्ति को कभी किसी से forcefully कुछ नहीं करवाते. Lord never forcefully does anything in this world. He has given us a free will. अगर free will नहीं रहता तो हम भगवान से प्रेम कैसे करते? तो इसीलिए भगवान कृष्ण को अगर प्रेम करना है तो free will देना जरूरी है. और free will का misuse भी होगा. भगवान को भी पता है कि free will का misuse भी होगा. तो यहाँ पर आपको सामने, one second, just join तो प्रभु जी, here is your slide. Why Lord has given free will? God doesn't interfere with free will because He doesn't force us to love Him, and He patiently waits. कब ये अपनी इच्छा से प्रेम अगर करना है तो किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हमको. हमको क्या है? स्वेच्छा से हम लोग को भगवान भी हमारी वेट करते हैं. And He compassionately creates this world and sends His representative. ये तो छूट इसलिए नहीं दिया है, साथ ही साथ चेंज भी करते हैं. हमारी इच्छा को चेंज करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, गुरुओं को भेजते हैं, स्वयं भी आते हैं, और साथ ही साथ शास्त्र को भेजते हैं. जो बुद्धिमान व्यक्ति है इन दोनों की हेल्प लेते हैं वो. क्योंकि क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनके स्क्रिप्चर्स की. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, राइट. एंड रिचा इज आस्किंग, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? आई डिडंट गेट यू रिचा. जयंती मुखर्जी, यस दिस इज गंगा सागर कपिल मुनि. दिस इज द सेम हरे कृष्ण जो में जो हरे है. दिस रिप्रेजेंट्स अवर, चिरंजीत ने पूछा है हरे कृष्ण में हरे का मतलब क्या है. हरे का मतलब ये है कि हम अपनी हरे इज द शक्ति ऑफ हरि. भगवान कृष्ण की शक्ति है हरि. हरि की जो शक्ति है दैट इज हरे. तो ये हरे अभी भगवान कृष्ण की शक्ति कौन है, या विष्णु की शक्ति कौन है? भगवान विष्णु की शक्ति है दिस इज हरा. हरा जो शक्ति है, दिस इज आवर मदर. शी इज द मदर पोटेंसी. इनकी हम शरण ले रहे हैं. और ये कौन है? ये सीता मैया, सीता राम हम लेते हैं ना, या लक्ष्मी नारायण, या कृष्ण के साथ हम जब नाम लेते हैं इनका, वो हो गई राधा. तो दिस इज द फेमिनिन काउंटर पार्ट ऑफ लॉर्ड हरि. भगवान श्री कृष्ण की फेमिनिन एस्पेक्ट है. एंड दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल एस्पेक्ट. पिता को जब अप्रोच करते हैं हम, तो माँ का आश्रय लेते हैं. उसी प्रकार से इस मंत्र में हम पिता का भी आश्रय ले रहे हैं. कृष्ण का, राम का आश्रय तो ले रहे हैं, लेकिन पहले माता का आश्रय ले रहे हैं, ताकि हे माते प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी. आप मुझे पिताजी के साथ जोड़िए.
माँ ही हमें पिताजी के साथ जोड़ती है एंड वी आर बेगिंग फॉर मर्सी टू श्रीमती राधा रानी श्री सीता देवी दैट्स व्हाट वी कैन डू सो थैंक्स अ लॉट आप सबका मेरे को धन्यवाद और नेक्स्ट वीक थर्ट ऑफ कोर्स हमने सफिशिएंटली जस्टिस किया है लेकिन आज 31 तक ही हम कर पाए नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस तो होपफुली हमने कुछ जस्टिस किया आज के सेशन में एंड टुडे वी हैव फिनिश्ड द साइंस ऑफ सोल इन ग्रेट एलैबोरेट डिटेल जितना दे सकता था मैंने कोशिश की देने की उतना मैंने दिया है अगर कोई भूल त्रुटि हो गई क्षमा चाहता हूँ मैं एंड थैंक्स अ लॉट और प्रश्न अभी आपके पास आने वाले हैं जो भी प्रश्न आएंगे जो भी थोड़े बड़े प्रश्न रहेंगे प्लीज ट्राई टू आंसर एंड जस्ट प्लीज अटेंड दिस भगवद गीता दिस विल रियली हेल्प अस इन आवर फाइनल जर्नी थैंक यू सो मच हरे कृष्णा श्रीमद भगवद गीता की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद्गीता की जय हरे कृष्ण